बैक टू आज एकेबर्स और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और हमारा साथ देते हैं हमेशा की तरह मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमज़ान। अल्तमश। वालेकुम अल्तमश। अल्तमश कौन सा ड्रामा बनाई वो? तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। यस, बीमार हैं हम दोनों बहुत ज़्यादा है। एंटीबायोटिक्स पे और मुझे लग रहा है कि मैंने इधर पड़े पड़े बेहोश हो जाना है सेट के ऊपर ही। यार मैंने पहले कभी, मैं बचपन में एंटीबायोटिक्स खाता था एगमिंटन के नाम से खाती थी। बड़ी खाई है मैंने बहुत खाई है। मुझे अस्थमा। अच्छा आपको भी वही थी? मुझे अस्थमा होता था बचपन में, लेकिन अब नहीं है शुक्र है। तो तब डॉक्टर लिख के देते थे वेंटोलिन एगमिंटन, ये दोनों का एक होता। तो तब से मुझे ना उनसे डर लग गया होता। तो तब मैं जब बीमार रहता मैं कोशिश करता मैं एंटीबायोटिक्स ना खाऊं। 2021 में मैं दोबारा बीमार हुआ। मेरा भाई मुझे एक दफ़ा एंटीबायोटिक्स का कहा कि तुम अब खा लो, कोई कुछ नहीं होता। तो वो मुझे असर कर गई। लेकिन इस दफ़ा लड़ गई है एंटीबायोटिक। मुझे तो कसम से लड़ गई है यार इस दफ़ा। बीमारी बड़ी अजीब, मुझे तो ये बीमारी समझ नहीं आई। हमने शूट किया वो जो अपना डिटेल रिव्यू, उसके बाद मुझे ऐसा बुखार चढ़ा। उसके बाद आपको बुखार चढ़ा और उससे दूसरे दिन मुझे चढ़ गया। अच्छा मेरे गले में दर्द नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपके गले में इन्फेक्शन है। सेम उसने कहा आपको बुखार चढ़ा ही गले की वजह से है, लेकिन गले में दर्द नहीं है। उसने मुझे कहा गर्म पानी के गरारे करो नमक के साथ। हाँ ठीक है मैंने कहा कर लेते हैं, लेकिन दर्द नहीं है। खांसी भी इतनी खास नहीं है, खांसी भी नहीं है, लेकिन नज़ला भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कैन सी, नाक भी बंद नहीं है, डॉक्टर कैन सी बट वी कांट सी। लेकिन बुखार जो है वो बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब लेकिन इतना मुझे होता नहीं है, मुझे बुखार नहीं होता वैसे यूजुअली, कहना नहीं चाहिए मेरा। सो मुझे तो हो जाता है, पता है मेरा 100.2 तक चला गया था, 100.3 तक भी चला गया था। मैंने कहा खैर है कुछ नहीं होता, चल जाने। मेरा 3 तक गया था। हाँ, अच्छा हाँ, तो गलत बात है, नहीं जाना चाहिए। मौसम इतना ऊपर से खराब है, सभी बीमार है मेरे ख्याल में, और सभी को यही सेम पैटर्न पे बीमारी है। ना खांसी है, ना नजला है, ना जुकाम है, बुखार है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जा कहता है आपको गले का इन्फेक्शन है। तो प्लीज आप लोग भी अपना ख्याल रखें और हमें आज बहुत ज्यादा लिबर्टी दें आप। मुझे लगता है वायरल इन्फेक्शन है, और मुझे तो इतनी डिप्रेशन हो गई एंटीबायोटिक्स खा के, इतनी डिप्रेशन हो गई कि मैं तो चैनल बंद करने मेरा तो इतना लाइव खराब हो गया है इतना। मतलब मैंने कहा कि 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हमें सब्सक्राइबर मिले हैं 2000 फकत 2000, और कोई व्यूज नहीं है कोई। मैंने कहा फिर हम क्यों इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे ही ऐसे खत्म कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने उस टाइम तो आपको कह दिया कि चलें ठीक है जो आपको बेहतर लगे कर लेंगे, लेकिन दिल में मैंने घर जाके बहुत सोचा। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, इतना ड्रीम इतने सालों से तुम लेके चल रहे हो उसको परस्यू करना है। तो तुम्हें पता है एवरीथिंग वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। हाँ अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए अगर आपको करना पड़ता है तो कोई नहीं, थोड़ा और हम ट्राई करके देख लेते। आप हमारे साथ है, हो सकता है और भी लोग मिलते जाएं। वो कहते हैं लोग मिलते के कारवां बनता गया। तो अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो आप बता दें। तो खैर ये हमारी नोक जो होकर हमारी चीजें चलती रहेंगी। आज हम बहुत बीमार हैं, आपके सामने बहुत ज्यादा है। बैठे हुए हैं। ड्रामे कुल मिला के हैं 12, अगर जब हम एपिसोड काउंट करते हैं तो वो बनते हैं 100। ट्रू भाई, तेरे बिन की 6-7 एपिसोड, तेरे बिन की 6 एपिसोड्स, फेरी टेल की 8, तकरीबन पूरा एक हफ्ता था 8। उसके अलावा 3 एपिसोड हुक की, 3 एपिसोड्स तेरे बिना मैं नहीं की, 2 एपिसोड जुर्म की, 2 एपिसोड मेरे बन जाओ की, 2 एपिसोड्स। इसके अलावा चिंटी की मम्मी की 2 एपिसोड्स। और चिंटू की तो छोटी-छोटी एपिसोड्स हैं, बाकी एक-एक वाली रह गए हैं पीछे। यूही की 1 एपिसोड है, अनकही की 1 है, कुछ अनकही की भी 1 है। मुझे प्यार हुआ था आया नहीं, बंदिश और मोहब्बत गुमशुदा और वो तेरे इश्क के नाम तो नए ड्रामे हैं। तो इसके अलावा too much fun तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड करने वालों से या स्टार्ट करने वालों से? शुरू से शुरू करो। शुरू से शुरू एज इन कि जो नए आए हैं। हाँ तो शुरू में सबसे पहले किससे शुरू करें? शुरू में सबसे पहले कर लो जो मुझे सबसे पहले एकदम, मुझे लिस्ट पूरी एक बार फिर कंफर्म कर दो। अच्छा हमारे पास मैं सॉरी आप लोगों को रिपीट कर दूं, यूही तेरे बिना मैं नहीं, यूही की 1 एपिसोड, तेरे बिना मैं नहीं 2 एपिसोड, हुक 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 3 मेरे बन जाओ 2 एपिसोड, चिंटू की मम्मी 2 एपिसोड, तेरे बिन 6 एपिसोड, कुछ अनकही 1, फेरी टेल 8, 9, 10 जितनी भी आ रही वीक में आई, बंदिश 1, हाँ। मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक, हाँ। तेरे इश्क के नाम एक, हाँ। और जुर्म दो। ठीक है, सो मैं तो थक गई भाई साहब, अभी से स्टार्ट करते हैं हम। मेरा ना कल सारा दिन ये ड्रामे देखते हुए गुजरा, छुट्टी थी कल, तो मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ, शायद मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन मेरी सोच से ज़्यादा देर लगी। मैंने 11 बजे शुरू किया और मुझे रात के 11 बज गए। अच्छा खैर, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आई थिंक जुर्म से। आपको पता है ना, मैंने भी अपने ड्रामों के नाम रखे होते हैं, तो जुर्म से शुरू करते हैं। पिंजरा का नाम क्या रखा हुआ था? परवरिश। जी, जुर्म। जी मून, जुर्म आ रहा है जियो टीवी पे, जिसकी डायरेक्टर हैं आफ्टर मेरे ख्याल में 10-12 साल बाद में रीन जबार ने बीच में किया थोड़ा बहुत, छोटा मोटा करती रही हैं। वो जो एक उमेर अहमद की जी पे एक आई थी ना, वो धूप की दीवार नहीं, दूसरे वाला जो था जिसमें बिलाल अब्बास और वो थी मदिहा इमाम। अच्छा ओके, एक झूठी लव स्टोरी, वो मैंने डायरेक्ट किया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कोई मेजर उन्होंने किया, मैंने सुना नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि छा गई हैं। मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया और शाह यासिर कोई हैं करके कोई नाम है राइटर का, उन्होंने लिखा है। कास्ट में शामिल है दुरेफिशान एंड वहाज अली एंड तुबा सिद्दीकी। यार इतने सालों बाद आई हैं, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट इसमें है अतीका ओडो जी हैं, एहतशामुद्दीन है, याले सरहदी हैं, ताज़ीन हसन है, वो इकबाल, हाँ उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और वो चुड़ैल्स वाला, हाँ, काशिफ भी है हाँ, है ना, फवाद खान नहीं, उनका नाम काशिफ, सॉरी वो दोनों एक ही थे ना चुड़ैल्स में। उनका नाम काशिफ है। और वो भी है ना, अपने दर्शकों को बताएं। अच्छा, एक तो लोग ये बड़ा माइंड करते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं। एक पिछले दिनों कमेंट करके कहता है ये हिंदी वाले को इंडिया ही भेज दो भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ भी रह लेंगे। वो भी है, महा हसन भी है ना, वो जो रिपोर्टर बनी हुई है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो मजा आ रहा है। जी चले जी, अब हम शुरू करते हैं रिव्यू। हाँ। कहानी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक हस्बैंड वाइफ एक रोमांटिक सी नाइट मनाने के लिए किसी चाय कैफे स्पॉट जाते हैं, जो कि बहुत गुमशुदा रास्ते पे इलाके में, कराची से हैदराबाद रोड पे आता है, हाईवे पे, और उनको वहाँ पे कोई किडनैप कर लेता है और हस्बैंड को वो छोड़ जाते हैं, बीबी को वो ले जाते हैं। पूरा एपिसोड फिर इसी में चलता रहता है कि किसने इनको किडनैप किया, और बड़े फ्लैशेस वो भी चलते हैं, फ्लैशबैक्स के साथ चल रही है स्टोरी पैरेलल, करंट और प्रीवियसली, और एक उससे प्रीवियसली, हाँ, प्रीवियस के भी प्रीवियस, मतलब एक 10-15 दिन पहले की, एक 6 महीने पहले की, हाँ, और एक प्रेजेंट डे चल रहा होता है साथ, और एक प्रेजेंट पिछली गुजरी हुई रात, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी ही मजे की, बड़ा मुझे नेटफ्लिक्स लेवल लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत खूबसूरत कैमरा एंगल्स जो यूज हुए हैं, वो जो मेहरीन जबार ने मतलब जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है सारा 1/3। हाँ। और मुझे एक जो अच्छी बात लगती है इस ड्रामे की, बहुत ठहरा हुआ ड्रामा, हाँ, है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई आपको कोई जल्दी है कुछ बताने की, हाँ, सुकून से बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपको ना एक्टिंग भी जो आपको नजर आ रही है वो स्टार्स की हटके है, हाँ, प्रॉपरली आपको नजर आता है कि कैरेक्टराइजेशन पे काम है। अगर आप वो जर्नलिस्ट का हेयर स्टाइल देखें, महासन, उन्होंने अपने पूरे करियर में काम किया हुआ है। हाँ। वहाज इज नॉट वहाज, दुरेफिशां नहीं है, हाँ, और दोनों को मैं बहुत ज़्यादा, हाँ, तारीफ भी करना चाहूँगा कि दुरेफिशां और वहाज ने अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते, हाँ, हुए एक, हाँ, ऐसा प्रोजेक्ट भी किया, हाँ, है, हाँ, जो कि क्रिटिक्स को पसंद, हाँ, आएगा, या जो कि मीनिंगफुल है, जो कि उनके काम को निखारेगा। उनके काम के हवाले से एक अच्छी चीज़ है। जी, अपने आर्ट क्या कहते हैं, क्राफ्ट के ऊपर उन्होंने, यानी कि वो अपनी, हाँ, क्राफ्ट को, हाँ, लेके भी सीरियस हैं। हाँ। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया अतीका ओडो का कैरेक्टर। इट्स सो रिलेटेबल, इट्स सो फनी, मतलब वो फोटकी से उठ के मेडिटेशन है कानों में लगा के, हाँ, उनको नहीं फिक्र दुनिया वो की। बड़ा मजेदार था। मुझे एहतशामुद्दीन का भी कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे वो बड़े अच्छे कैरेक्टर लग रहे हैं, और एक बड़े अच्छे एक्टर लग रहे हैं। और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जब एक डायरेक्टर को डायरेक्ट करे, हाँ, तो कितना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये, और इस चीज़ को वो इन्होंने इंश्योर किया। आपने एक और चीज़ नोट की होगी, बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट भी है, लोकेशंस जो हैं, आप को रियलाइज हुआ कि वो जो घर था वो दोबारा वाला घर था, लेकिन एक दफा भी फील नहीं हुआ क्योंकि आपने एक कैमरा एंगल या एक जो फ्रेम आपने जो खींचा है ड्रामे का वो डिफरेंट खींचा है। तो बस सदीकी भी थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं, वैसी नहीं है जैसे मतलब वो एक अफेयर से बाहर है ना, काफी शायद चेंज होके आई हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मिस्ट्री है उसका, मिस्ट्री है और पहला एपिसोड भी बड़ा अच्छा सस्पेंस पे एंड होता है, यानी जिन्होंने लाइव एपिसोड देखा होगा उन्होंने अगले दिन के लिए बहुत वेट किया होगा। हमने तो खैर दोनों इकट्ठी देखी, लेकिन दूसरा भी जहाँ पे एंड हुआ है, जहाँ पे पहले तो हमें ये पता लगा कि याले सरहदी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है यार, वो कितनी मिस्ट्री के साथ आती हैं और बड़ा मज़ेदार। पहले एपिसोड में उन्होंने बताया कि ड्राइवर जो था वो इन्वॉल्व था, लेकिन दूसरे एपिसोड में उन्होंने बताया कि हस्बैंड इन्वॉल्व था। अब लेकिन आगे लेकिन देखो पता नहीं क्या होता है। अब जैसे अतीका ओढो ने कहा कि मुझे तो गिल्ट मारे जा रहा है, अब किस चीज का गिल्ट है नो वन नोस। सलमा हसन को देखो, सलमा हसन देखो कितनी, वो सबने अपने कैरेक्टराइजेशन पे प्रॉपर ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे ख्याल में डायरेक्टर मेहरीन जबा। तो उन्होंने सबकी शक्लें बदल दी हैं यार जी, डायलॉग डिलीवरी चेंज है उनकी, उनके बोलने का स्टाइल चेंज है, उनकी हर चीज़ चेंज है। मैं तो कहता हूँ यार ऐसे डायरेक्टर कहाँ, और मुझे हमेशा ये पुराने डायरेक्टर बहुत याद आते हैं। जैसे अगर आप अभी आप महरीन जब्बार की बात करें, जब हम बंदिश की बात करेंगे, आबिस रज़ा ने बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने भी। तो वो अब अक्सर ना मेरा लेक्चर हो रहा होता है बीच में ना बच्चे खा लेते हैं चीजें। अच्छा मुझे बड़ा मजा आता था लंच बॉक्स से निकाल के, कुछ वैसे ही मैंने भी किया है। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है वो पराठा पड़ा होता था लंच बॉक्स में, पराठे का एक एक, अब जब खाना बेसिकली हाफ ब्रेक में होता है, वो हाफ ब्रेक तक पराठे का एक वाला रह जाता था, वो शुरू में सारा खाया जाता था, थोड़ी एक एक वाला। अभी वही मैंने किया, अभी वही हुआ है तो कोई नहीं। तो अभी तक ड्रामा इज गोइंग बहुत खूबसूरत, वेरी फ्रेश ड्रामा, बहुत फ्रेश वाइब आ रही है मुझे। और मुझे बड़ी खुशी है इस तरह के, पहले मुझे जब पता लगा ना कि और क्या यार इस ड्रामे की दो एपिसोड देखनी है, क्यों देखनी है, लेकिन आप बैठ रहे हो तो ऐसे खत्म हो गई, ऐसे मेरा दिल कर रहा था और एपिसोड आए। एग्जैक्टली, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू जियो टीम जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट। और अभी बाय द वे एक और बात, वो जो मुझे बात अच्छी भी लगी, ऑडियंस ने भी इसको बहुत अच्छी टीआरपी दी है, शुक्र है। जितने भी नए ड्रामा है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी इस ड्रामे की आई है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ शायद वहाज की पॉपुलैरिटी का है। लेकिन वहाज आई थिंक जितने भी अभी मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन वाला वो है, उससे करोड़ दर्जे बेहतर ये ड्रामा है। बिल्कुल ऐसी है। सो प्लीज तेरे बिन के जो फैंस हैं वो जरूर कोशिश करें कि जुर्म भी हिट हो, ताकि अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उस तरह से हिट करें और जो हमारे एक अच्छे काम करने वाले हैं वो डीमोटिवेटेड ना हो। हाँ। वो करते रहें काम और उन्हें पॉपुलैरिटी उन्हें भी आई विश मिलती रहे। मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया। आप बताएं आपको कैसा लगा? जरूर देखें, हाँ ये ड्रामा जरूर देखें, ये मस्ट वॉच है, ये गारंटी है हमारी, ये खराब भी नहीं होगा। मिनी सीरीज है मेरे ख्याल में। अच्छा हाँ, ज्यादा किस्तें नहीं होंगी इसकी। किसने बोला आपको? मुझे वाइब आ रही है। इस्लाम देखें आप, देखते हैं क्या वो दूसरी एपिसोड में उन्होंने इतना कुछ अनफोल्ड कर दिया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है फिर भी, लेकिन दूसरी एपिसोड के हिसाब से बहुत कुछ हमें बता दिया गया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि दिस माइट एंड सून, अल्लाह करे उसको ड्रैग ना करे, ड्रैग का शिकार हो गया तो फिर आपको पता है कि चीज खराब हो जाती है। प्रॉपर वो जो हम अक्सर एक बात करते हैं बैक स्टोरी, वो भी है, सब कुछ सब की है, हर कैरेक्टर की है भाई उसकी। जर्नलिस्ट की भी आएगी अभी, सलमा हसन की भी आएगी अभी, दीका ओडो की भी आएगी, एहतशामुद्दीन, मजा। अभी तो उसका अब्बा भी आना है दुरेफिशान का, दानियाल, यस उसका भी कोई कैरेक्टर होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। चलें जी, मूविंग ऑन टू आई थिंक बंदिश। जी मून बंदिश, ये भी अच्छा ड्रामा है। बंदिश सीजन 1 देखा? इस ड्रामे में प्रॉब्लम है, स्टार पावर की कमी है। स्टार पावर की बहुत कमी है, लेकिन मसाले पूरे हैं यार। स्टार पावर की कमी है लेकिन ना मेरे कुछ फेवरेट लोग हैं इसमें, ठीक है। जैसे मुझे आमना इलियास बहुत पसंद है, सिंस आई वॉच बाजी, तो तब से मेरे दिल में घर किया हुआ है आमना इलियास ने। और उसके बाद सानिया सईद का तो मैं कहता हूँ कि उनका तो नाम ही काफ़ी होता है किसी भी ड्रामे के लिए। बाकी अरीज महीउद्दीन अच्छा काम कर रही हैं, वो जो लड़की कुंगरियाले बालों वाली है, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन है ठहर, मैंने लिखी हुई है सारी कास्ट इसमें, वो भी है ना। देखें फिर मैंने खाना खा लिया। अफान वहीद, मैं इसीलिए बार बकवास कर रहा था कि तुम बीच में अपना काम कंप्लीट करो। कंकर में सास बनी होती है, कंकर में सॉरी सास नहीं बनी होती, कंकर में सनम बलोच की जो एक कजन की अम्मी बनी हुई होती है, वो भी तो है। हाँ, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो कंकर, हाँ मुझे नहीं पता। जीक्यू है इसमें, जीक्यू भी है, वो तो विलन है। शुजा असद है इसमें, शुजा असद, वो जो एक ड्रामा आया था ना नीलम मुनीर वाला, जिसमें ये मर जाता है, प्यार दीवानगी है, उसमें जो हीरो था वो भी है इसमें। वो कहाँ है? अरीज का लव इंटरेस्ट वही तो है जो सामने वाले हमसाए में है। हाँ, हमसाए में वो I'm sorry, वो बहुत गंदी एक्टिंग करता है। तो वो उसमें भी गंदी कर रहा था, इसलिए तो उसको दोबारा प्रोजेक्ट नहीं मिला। नहीं, मैंने यही कहना था, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन इस ड्रामे में सबसे गंदी एक्टिंग उसकी थी। शुजासत नाम है उनका बेचारे का। कोई नहीं, खैर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो बात करनी है यहाँ पे, अब बंदिश की मैं बात। सीजन 1 देखा आपने? वैसे मैंने सीजन 1 नहीं देखा। मैंने बहुत तारीफ सुनी, मेरी अम्मी वगैरह ने भी बहुत देखा था। ये सीजन 1 वही मरीना खान वाला। हाँ, मरीना खान, जुबाब राना, हीरामानी, ठीक है। लेकिन जो इस वाले चीज़ में मैंने सबसे पहले तो मुझे तारीफ करनी है, जो लोकेशन उन्होंने सेलेक्ट की, वो जो घर उन्होंने सारा बनाया, और वो जो शुरू की 3-4 शॉट्स आते हैं, यहाँ पे लगा देना वो शॉट्स, थोड़ा वो लगेगा, फील भी आएगा। तो वो शॉर्ट्स जो है, पेंसिल कितने गई? अच्छा सॉरी, ये पड़ी है। तो ना वो जो है ना शॉर्ट्स का ये सीन होता है कि आपको वाकई लगता है कि इस घर में कोई मिस्ट्री है, या इस घर में कुछ होने वाला है। बिल्कुल ऐसी है, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अभी कुछ तावीज़ भी नहीं हुई या कुछ आए भी नहीं, लेकिन आपको भी सिर्फ फील होने लगे कि ये घर में भी बहुत डरावनी सी लोकेशंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी जो कि आबिज रजा ने वो पूरा क्रिएट करके दिखाया, माहौल बना दिया था, वो फील हुआ। उसके बाद सबसे सानिया सईद की जो एक फैमिली वाली केमिस्ट्री, वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बहन भाई लगे, तो वो बहन भाई लग रहे हैं। उनमें बड़ी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आमना इलियास जो है उनकी भाभी हैं। वो आपको उनकी बेटी नहीं थी। हाँ, मतलब आपको कोई कुछ सोचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाना पड़ता। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है। वो अलग बात है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या हुआ था पास्ट में इन दोनों भाइयों के दरमियान, कि जिसकी वजह से जीक्यू की फैमिली सफ़र कर रही है। अच्छा, एक तो ये, और सेकंड जो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि उसने अपनी जायदाद का हिस्सा ले लिया था, लेकिन वहाँ पे वो रो रही है कि हमने जो है वो हमसे हथियार लिया गया है। तो किसका पलड़ा भारी है ये हमें नहीं पता, वो नहीं हम पता। जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट किया था वही शुजा करेक्टर, उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी थी, वो थोड़ी इमेच्योर थी। आई थिंक बच्चा है, उसका रोल इतना होगा भी नहीं मेरे ख्याल में, अल्लाह करे नहीं होगा, लेकिन वो बहुत इमेच्योर था। क्योंकि उसके बदले में तो वो है ना जीक्यू का बेटा, वो जो जुड़वा भाई है ना। हाँ, जुड़वा भाई। अच्छा, मुझे ना मेरी बहन कहती वो जुड़वा भाई वाला है, जुड़वा। मैं कौन सा जुड़वा भाई वाला? कहती देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, ओके, मुझे समझ आ गई थी। उसका नाम मुझे भी नहीं पता, आगा हसन पता नहीं क्या, नहीं आगा नहीं, पता नहीं जो भी नाम है। अभी नीचे आ जाएंगे, नीचे कमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप हमारी अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको खुश रखे। नहीं, वो अच्छा था, वो अच्छा था। बहुत अच्छा कर रहा है सारे, अरीज इतना अच्छा कर रही है यार, जीक्यू बहुत अच्छा। हाँ, जीक्यू भी अच्छा कर रही है। वो बाबा जी वो अभी आते हैं ना। अच्छा, अभी आना है? अभी आना है। क्योंकि वही सबसे खूबसूरत पॉइंट था कि जब उन्होंने उस पीर को इंट्रोड्यूस कराया ना। एक तो मुझे खैर उसके बैकग्राउंड म्यूजिक से इशू है, वो थोड़ा वेरी 80s है, थोड़ा गंदा सा था और वो समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये था, वो नहीं अच्छा था वो बाकी। लेकिन जिस तरह से वो आते हैं ना, तो वो लगता है कोई उन्होंने नहीं दिखाया कि पीछे उल्लू मरे पड़े हुए हैं, कोई उन्होंने वो मटके नहीं दिखाया जिनके ऊपर मंत्र तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, कोई उन्होंने दरमियान में आग नहीं जलाई, कुछ भी नहीं किया। फिर भी उस बंदे की यार अपीयरेंस ही ऐसी बना दी है। ये उसकी मुस्तफा के फादर है। हाँ, मुझे पता है। उनकी आंखें ऐसे फैला दी हैं और उनको ऐसे एक्सप्रेशन दिए यार। हैट्स ऑफ टू आबिस रज़ा एंड द एक्टर। उनका नाम नहीं मुझे पता, उनका नाम क्यों कोई मुस्तफा होंगे, मुस्तफा नहीं है कोई, मुझे आता था, भूल गया है। आप प्लीज देख लें। इसके अलावा यार मतलब आपने बगैर के, हालांकि सीजन 1 देखा था हमने, सीजन 1 में जो विलेनेस सलाहुद्दीन टूनियो, ओके टूनियो, ये सिंध वाली साइड की एक जात है, ठीक है। अच्छा, बंदिश सीजन 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक रिवेंज स्टोरी थी। वो रिवेंज ये था कि एक बंदे ने रेप किया था। इट्स ऑल्सो, ये एक खानदानी रिवेंज है। वो ये था कि एक बंदे ने रेप किया था, तो वो अपने रेपिस्ट का बदला ले रही थी उनकी फैमिली के साथ, ठीक है। तो वो था, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उस बंदी ने वो थी अरसलान, वो जो च्युइंगम में नहीं है, च्युइंगम आपने देखी होगी कितनी गिरे बाकी में। दूसरी जो सानिया सईद के साथ थी, उनका क्या नाम है उन एक्ट्रेस का जो आपकी बड़ी फेवरेट है? यार, सेल से निकल गया उनका नाम, जो भी है। वो थी विलेनेस, और उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ जी अंधेरे करके ऐसे बाल बिखरे हुए, ये इधर वो नहीं था नहीं है, लेकिन आपको फिर भी दहशत फील होती है, फिर भी आपको दहशत फील हुई यार ये कैसे कर लिया आपने। ये एक मुझे अच्छी बात, ये एक क्रेडिट जाता है इस टीम को। यस यस यस, तो आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग। अच्छा एक सवाल मेरा पूछना आपसे ये भी है कि अक्सर हम ना ऐसे दिखाते हैं करेक्टर कि जिनकी ना उन्होंने बड़ी हार्डशिप दिखी होती है थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड, और फिर हम वो बाद में नेगेटिव हो जाते हैं कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन हमें ड्रामे में दिखाते हैं कि वो लोग अच्छे हैं ये लोग बुरे हैं, तो ये हम रियल लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब जैसे आप खलनायक टाइप बात कर रहे हैं ना कि एक बंदे के साथ बचपन में ट्रॉमास हुए और बाद में वो जाके नेगेटिव हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड खराब है, इसकी ट्रेनिंग खराब है? ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये मजाक के अलावा जब मैं ड्रामा देख रहा था तो हम तो विलन बना देते हैं ड्रामे में। अब देखो उस बच्चे के सामने उसका बाप मरा है और उसकी माँ ने रोते रोते बताया कि इसके जिम्मेदार तुम्हारे ताया वगैरह हैं। अब उसको वो तो ऐसे उसी नेगेटिविटी के साथ पला है ना। चाह रहा हूँ कि जब आपको बचपन में जो अगर आपने कोई हार्डशिप देखी है तो बड़े होके वो इंसान अगर विलन बन जाता है तो हम बचपन में किए गई जो चीजें उनको कसूरवार क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते, वो भी चीजें बड़ी जिम्मेदार, वही तो जिम्मेदार होती है। तो सारा रोना है भाई साहब। चले जी, मूविंग ऑन टू डोंट गो टू दैट थिंग, मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ओ माय गॉड, अनदर मास्टरपीस। जी मुझे यार ये ड्रामा एक्ट्रेस को साइड पे कर दो, पता नहीं क्यों मुझे इस ड्रामे में लिखाई बड़ी पसंद आई यार। ये ना नॉवेलिस्ट है राहत जबी, मेरी ना बड़ी फेवरेट थी ये, ना इतना मजा हुआ लिखती है। नहीं एक मिनट, सॉरी रोको। तुम कौन से वाले ड्रामा की बात कर रहे हो? मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मुझे नामों के नाम याद नहीं रहते। ये कुशाल वाला है? ये तो बहुत अच्छा है, इसी की बात। सॉरी मुझे लगा तुम वो उस वाले की बात। हिबा वाले की, उसका क्या नाम है? उसका नाम है तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम, ये तो नाम नहीं याद रहते ना। उसकी राइटर तो आपकी ऑलरेडी फेवरेट है। अच्छा तेरे बिना मैं नहीं वाली है, अभी हम वो कर लेते हैं, अभी मोहब्बत गुमशुदा कर लेते हैं। नहीं ये तो बहुत अच्छा है दनानीर वाला। ये जो फ्रेश एयर आई है इस ड्रामे में, ये क्रेडिट हमेशा हम टीवी को जाता है। यस यस यस, हम टीवी हमेशा नई चीज लेके आता है और उसको एस्टेब्लिश करवाता है, अपना आप मनवाता है। मैं इस चीज में बहुत, और कोई होता चैनल उन्होंने बड़े बड़े चेहरे उठा लेने थे, ठीक है 35-35 साल की आंटियां और 40-40 साल के हीरो को लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उन्होंने वो लिए जो वाकई स्टूडेंट लगते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, खुशहाल लगता है स्टूडेंट, सारे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स मेल फीमेल आप सब डर जाएं। हाँ जी क्योंकि तूफान आ गया है, क्योंकि ये दोनों जो है दानानीर और कुशाल यार ये तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बच्चे हैं ये हमसे भी छोटे होंगे, बहुत तो हमसे तो बहुत छोटे होंगे, मतलब लाइक हम तो बुड्ढे होंगे, 6-7 साल छोटे होंगे, और वो इतनी मैच्योर एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी मैच्योर एक्टिंग कर रहे हैं जिसको कोई हद नहीं। मतलब आप कभी कुशाल का कोई सीन देखोगे ना तो आपको फील होगा कि इसने कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया है अपने एक्टिंग में, वो थ्रू इट्स बॉडी लैंग्वेज। और वो आपको पता है अपने हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज करते हैं, एक नई नॉवेल्टी लाते हैं अपने कैरेक्टर में ताकि पिछले के साथ कनेक्टेड ना रहे। जैसे अगर आपने नहीं देखा होगा वो वाला किस्सा मेहरबानों का, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, उस करैक्टर से इस करैक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने वो देखा, जैसे आपने वो माहिरा वाला देखा होगा ना, एक है निगार। अच्छा दनानीर को आप देख लें, आपने दनानीर को इससे पहले सिनफ-ए-आहान में देखा, टोटली डिफरेंट है यार। हाँ इससे ज्यादा अच्छी है, इससे ज्यादा अच्छी उधर पंजाबी। बाय द वे सिनफ-ए-आहान में भी हम अक्सर ये बात करते थे, आप हमारे जाके रिव्यूज देख सकते हैं। बाय द वे हमने सिनफ-ए-आहान पहला ड्रामा था जब पूरा रिव्यू किया था, उसमें जो है हमने बारहा ये बात की थी कि वो तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी एक्टिंग में कोई फ्लॉज नहीं है, उनको उस वक्त करेक्टर बहुत ज्यादा नहीं दिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। मैं हमेशा गिला ही होता था कि इसको क्यों नहीं उस तरह से हाईलाइट दे रहे जिस तरह बाकी कैरेक्टर्स को। लेकिन इधर जो है बहुत अच्छा छा गई है। हाँ, मतलब जो करेक्टर है वो आपको समझ आ जाता है पहले सीन में ही। काफी अरसे बाद ज़ूबिया का, काफी अरसे बाद आपने फरा को देखा। यार मैंने इसकी बात करनी थी, पर पहचानी नहीं गई, पहले मुझे सीन में नहीं समझ आई, थोड़ी देर मैंने कहा वेरी नाइस। मतलब सारी मॉर्निंग शो होस्ट जो हैं आजकल नजर आ रही है, पहले वो हमने चांदारा में गजल को देखा, फिर इधर ये आ गई हैं, नादिया खान भी कभी आ जाती है, शाइस्ता भाई थी मैंने सुना कोई ड्रामा कर रही है, जो पुरानी जितनी भी समझौता लाइफ से नहीं ड्रामे का नाम है, ड्रामे का नाम है, जो जितनी भी हमारी मॉर्निंग शो होस्ट है उनको ड्रामे मिल गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फरा बड़ा अच्छा कर रही है। मेरे बचपन में ड्रीम होता है मैं बड़ा होके ना मॉर्निंग शो होस्ट बनूं। साहिर लोधी जैसा नहीं, फैसल कुरैशी जैसा। हाँ है ना। हाँ। मेरा दिल कहता है मैं सवेरा नदीम जैसा होस्ट मुझे सवेरा नदीम का डॉन पे आता था ना, चलो बड़ा डिसेंट। मैंने बड़े मॉर्निंग शोज देखे हैं, मेरी जिंदगी ऑल अबाउट मॉर्निंग शोज। और जब से वो नीता यासिर ने संभाला ना, मैंने तब से नहीं वो फिर खत्म हो गया मॉर्निंग शो का चाम ही खत्म हो गया ना, वो बर्बादी फिर गई। द मोमेंट नादिया लेफ्ट मॉर्निंग शोज वहीं खत्म, बैठ गए थे, ठंडे हो गए। उसके बाद कोई मॉर्निंग शोज की कोई चीज नहीं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा माया खान के साथ बायस था, तो मैं उनका शो बड़े शौक से देखता था, ठीक है। और लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, किसी भी पोर्टल पे आ जाए ना उनकी पोस्ट, हु इज माया खान, हु इज माया खान, ठीक है यार है देखो मेरी फेवरेट है। तो अच्छा खैर ड्रामे की बात। अच्छा ड्रामे में अभी ना पहले एपिसोड के हिसाब से इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन करेक्टर्स जो है ना वो समझ आ गए। ये एस्टेब्लिश हो गया कि ज़ूबिया और साइम जो हैं वो बचपन से हमसाए हैं, साथ रहते हैं, बचपन से दोस्त हैं, लेकिन उनको अभी खुद भी इदराक नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक और लड़की जो इसकी बड़ी बहन बनी हुई है दनानीर की, वो भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर, नोरीन गुलवानी, उसका नाम मैंने नाम गूगल कर लिया, नोरीन गुलवानी बड़ा प्यारा वही है ये जो उसमें थी बख्तावर में। मुझे कैसे नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ड्रामे हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों ड्रामों में अपनी एक्टिंग के ग्राफ को ऊपर की तरफ। यार आप देखो, हुरिया को देख लो, आप प्यारी मोना में किंजा को देख लो, और आप इस ड्रामे में उनका नाम है रुशना शायद, टोटली डिफरेंट यस, एक ही शक्ल है माशाल्लाह और उस शक्ल को इतने अच्छे तरीके से वो चेंज कर रही हैं, वो भी अपने गेटअप पे काम कर रही हैं। ये उनका एक्टर का भी कमाल, डायरेक्टर का तो होता ही है, एक्टर का भी कमाल है इसमें। जी। और कौन है, उमेर राना लिखा हुआ है, कास्ट में अभी तक आए नहीं है ड्रामे में। आयशा तूर है, ठीक है, जो आयशा तूर वो कैसी खुदगर्जी में जो भाभी थी और जो खुशहाल खान की माँ बनी हुई है, वो बड़ी एरोगेंट सी लेडी वो है, ठीक है। अली ताहिर भी हैं, आपने देखा होगा, लैला ज़ुबैरी को आपने देखा होगा, मैं दे दूं फिर तस्वीर, आप प्लीज ये डाल देना, आपकी तस्वीर भी साथ दे दूं तो वो लैला ज़ुबैरी भी है। अच्छा ठीक है, तो बड़ा मजे का ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद आया, तो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये कुछ इस दवा ठीक किया था किसी ने, चलो जो भी है, बट इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, वेरी फ्रेश, ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है जो उन्होंने। सबसे बड़ी मैं ये कहने लगा था, सबसे बड़ी बात इस्लामाबाद में लोकेशन चेंज की है, वही कराची वही लाहौर नहीं दिखा रहे हमें, हम इस्लामाबाद दिखा रहे हैं, और बड़ी प्यारी लोकेशंस है, जिस तरह वो आते हैं, बर्थडे का पूरा माहौल बना होता है और सारा बड़ा ये मुझे वो आपस में उनकी नोकझोंक भी पसंद है, बड़ी रियल लगती है, नेचुरल है, इनकी केमिस्ट्री बहुत हिट हो यार, मुझे बड़ी पसंद आई है। राहजबी वेल डन। राहजबी की आपको एक बात कर रहे थे, मैं उनके नॉवेल्स की बात कर रहा था, उनके ना बड़े मेच्योर नावल होते हैं, उनकी राइटिंग बड़ी मेच्योर और डिसेंट है, मतलब वो लिखती है ना तो वो खो जाती है, मतलब वो करैक्टर की जिसको कहते हैं ना वो मैं गंदा लफ्ज़ यूज करने लगा था, घुस के फट जाती है, वो राइटिंग में घुस के फट जाती है। मुझे उनकी ये बात, उनका पहला ड्रामा है मेरे ख्याल में, इससे पहले उन्होंने ड्रामा शायद अगर कोई लिखा होगा तो कोई ऐसा छोटा मोटा लिखा होगा, बट एज अ राइटर शी इज़ माई वेरी फेवरेट। शाहिद शफात डायरेक्टर है, मैंने उनका वैसे कोई काम देखा नहीं है, लेकिन जो देखा है उसने मुझे खुश कर दिया, वो बड़ा अच्छा है। तो आप अपना पिज़्ज़ा छुपा लें, तो हम चलते हैं अगले ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है तेरे इश्क के नाम। जी, तेरे इश्क के नाम। मुझे ये ड्रामा, सॉरी मैं फिर रख दिया उन्हें, मुझे ये ड्रामा अच्छा मैं एक सच बात बताऊंगा, जितने भी नए ड्रामे आए ना, जुर्म एक्टिंग फर्स्ट क्लास, बंदिश एक्टिंग सबकी फर्स्ट क्लास, मोहब्बत गुमशुदा एक्टिंग मतलब कोई वो नहीं। ये ड्रामा है जिसमें राइटिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और एक्टिंग फुस है। मुझे जावियार की बिल्कुल पसंद नहीं आई, सॉरी टू से। खुर्शीद शीदा, एक तो उसको नाम ही इतना अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है। मुझे उसामा खान, यार कर लो अब थोड़ी सी मेहनत मेरी जान, बहुत साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, अब तो आपको लीड रोल मिल गया है। नहीं, मुझे उसामा खान की ठीक लगी थी यार, वो दोबारा वाला कैरेक्टर, मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दी ना वो थी उसने हिबा। तो खैर वो हिबा का तो टेम्पलेट ही है ना, तो उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते, वो उनका फोटे है, वो इसी तरह ही एक्टिंग करती है, उनमें कोई खास वो नहीं है। वो जो दूसरी वाली थी प्यार के सदके वाली, यशमा गिल तो फिर एक ही है, ये भी एक बड़ी मशहूर याद है मीम थी। अच्छा खैर, यशमा गिल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत कैरिकेचरिश है सो लाइक एक्टिंग में मुझे बड़ी अच्छी लगी थी प्यार के सदके में, अलिफ में, लेकिन इधर तो बड़ा वीक लगा मुझे। ऊपर से उनको सीन दे दिया उसके साथ नादिया अफगन के साथ अब नादिया अफगान फुल जो है ना। और तुम्हें पता है अरीशा राजी खान भी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो ज्यादा अच्छी, वो कितना अच्छा कर रही है, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है कंपैरेटिवली यशमा गिल। यही मुझे मसला मुझे सिर्फ इस ड्रामे में एक्टिंग से प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप स्टोरी की बात करो ना, स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी मुझे बड़ी पसंद आई है। इसमें थोड़ा उन्होंने तालीम को भी इनकॉर्पोरेट किया है कि ये अगर आप कहोगे कि नहीं जी नहीं ये बड़ी बेसिक स्टोरी है फलाना है, नहीं मैं बताता हूँ क्यों बेसिक नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन एजुकेशन की कमी है। तो ये उस चीज़ को हाईलाइट करने वाला ड्रामा है कि जहाँ पे आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है कि एजुकेशन आपके आज के दौर के लिए पैसे के साथ साथ एजुकेशन भी कितनी ज्यादा और नई नस्ल को आगे चलाने के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए कितनी। यस, तो अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें और इसके जो ओवरऑल स्टोरी की बात करें और जिस तरह से कैरेक्टर लिखे गए हैं, मुझे राइटर की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है लेकिन एक्टिंग नहीं, मुझे किसी की भी इम्प्रेस, मुझे किसी की भी नहीं। मैं मैं आपको बता दूं इसके सभी अच्छा नाम उन्होंने बड़े अच्छे दिए, अल्तमश, रुतबा, खुर्शीद, रुतबा इश्क का रुतबा अच्छा ये गाना है ना अच्छा डायलॉग बड़ा प्यारा, मुझे खोते वाला डायलॉग बड़ा पसंद आया। वो जो सावियार बैठा होता है ना बाइक पे, तो वो कहता है अपना खोता तो पीछे कर लो, वो सास कहती है या फिर बाइक को अपना खोता पीछे कर ले, उसको खोता बना दिया। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा। अच्छा एक और चीज आप मुझे बताएं, क्या आपको जो ये है लड़की का क्या नाम है, हिबा बुखारी, आपको लगी कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? आप चाहते हैं कि मैं लोगों से गालियां खाऊं या अच्छा वो लगी है वो कौन यशमा गिल लगी, तो लगी है। वो लगी मुझे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, हिबा नहीं लगी। असल में वो पहले पहचान ड्रामा कर चुकी है ना, उसमें वो 3 बच्चों की माँ बनी हुई थी 36-37, तो वो हमारे जहन में उनका बैठा नहीं वैसे ही नहीं लगी ना, मतलब मुंह पे पक्कापन है। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं वो ऐसा लग रहा है तालीम बालगा जो होता है उस क्लास की स्टूडेंट लगी है मुझे वो। हाँ तालीम बालगा, हाँ सॉरी भाई क्या करूं ये। अब वो उधर चले जाओ ना, वो जो पीछे क्या ड्रामे का नाम मोहब्बत गुमशुदा, उसमें वो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनसे करवाएं यूनिवर्सिटी के काम, लेकिन ये नहीं ना होता मजाक, ये नहीं मजाक। चीदा उसको असाइनमेंटें बना के दे रहा है और वो असाइनमेंटें लेके। अच्छा हमें एक और बताओ, चीदे की जहन से लगता है मिसकास्टिंग है भाई, टोटल मिसकास्टिंग है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। या प्लीज आप बताएं आपने ड्रामा देखा था है। प्यारी मोना में लेना चाहिए था जावियार को। अच्छा अरफान की जगह। अच्छा लोगों के कमेंट आए हुए थे, आपको पता है YouTube पे इसी एपिसोड के नीचे जावियार हैज गेन्ड टू मच वेट। मैंने कहा है देखो भाई थोड़ी मेहरबानी है छोड़ दो। अच्छा हाँ अच्छा रिश्ते पहले मुझे समझ नहीं आए थे लेकिन नहीं, मुझे समझ आ गए थे कि जो जावियार की अम्मी है वो एक्चुअली साली है बाबा जी की, साली नहीं मुंह बोली साली है। हाँ लेकिन उसने सारा घर संभाला हुआ है। बाद में भावें इन्हां दा अफेयर निकला है, बाबे दा ते दा क्या निकला है अफेयर। वैसे भाई साहब कह रही है नहीं ऐसी बात नहीं है। भाई साहब कितनी एरोगेंट है, हालांकि जरा नहीं बेचारी से हुआ। अच्छा एक और बात ये है, एक तो वो एरोगेंट बनी हुई, उसके मुंह पे एरोगेंस नहीं सूट कर रही, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, है ही नहीं है। हाँ ये ड्रामा ना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं मुझे ना आपकी फेवरेट राइटर है। नहीं मैंने जब ड्रामा देखा ना स्टोरी के एतबार से तो मुझे मजा आ रहा था, लेकिन मुझे ना वो ठंडक, हाँ करेक्टर्स इरिटेट। ऊपर से वो इतना रेड जोड़ा पहन के यूनिवर्सिटी चली गई, इतना रेड जोड़ा, उस पर इतना ज्यादा काम भी हुआ हुआ दर्जी से ना डोरी वाला डोरी पाइपिंग, मेरे दर्जी बन जाओ, नहीं ठीक है तुम, नहीं मजा आया नहीं। हाँ ड्रामा अच्छा है, स्टोरी अच्छी है। नहीं मैं देखूंगा जरूर ये, क्योंकि मुझे स्टोरी अच्छी लगी है। डायरेक्टर आपको पता कौन से है? नहीं मुझे अहमद भट्टी भाई हुक वाले, नहीं भट्टी भाई कह रहे थे तो मैंने कहा कर दूं वो जो ड्रामा था कैसे खुदगर्जी में भी यही थी ना, यही थी। तो इन्होंने कहा था कि भट्टी भाई ने कहा, तो मैंने तो बगैर देखे स्क्रिप्ट साइन कर दी। खुदगर्जी में हिबा बुखारी थी, वो दूसरी दुरेफिशान थी ना, उन्होंने कहा। असल में ना ये दोनों मुझे बैनी लगती, ये थी उसमें जो एक राहत का गाना चलता था बड़ा मशहूर, इश्क दीवानगी है नहीं प्यार दीवानगी नहीं खाली दीवानगी दीवानगी उसमें थी ना। हाँ। नहीं लेकिन भट्टी भाई ने एक और ड्रामा किया था, भट्टी भाई का एक और है, रुको, जिसमें ये खुद थी, ये हिबा बुखारी हिबा जी थी, अभी देख लेते हैं। आप तब तक अपने ऑडियंस को बोलो। मैं ऑडियंस ये कहना चाहूँगा कि हम ये ड्रामा ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगेन आई विल से कि नेपोटिज़म के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप करियर उठा के देखें यशमा गिल का, वो भी एक नई एक्ट्रेस हैं, और अगर आप देखें जावियार का, वो भी एक नए एक्टर हैं, और आप जाके देखें पहले 5 ड्रामे यशमा गिल ने कौन से किए और पहले 5 ड्रामे जावियार ने कौन से किए। हाँ। और उसके साथ आप देखें कि जावियार ने 5 पहले जो, अगर और इसके अलावा हिबा बुखारी भी जो हैं, वो भी तकरीबन एक नई एक्ट्रेस हैं। हाँ। और उनके भी जाके देखें कि उन्होंने भी पहले 5 ड्रामे कौन से किए। हाँ। और फिर आप ये ज़रूर बताएं कि क्या वाकई ही नेपोटिज़म जो है एक इस तरह का नेपोटिज़म अफेक्ट करता है न्यू टैलेंट के लिए या नहीं। बहुत अच्छा होता कि अगर नुमान इजाज अपने पैसों से कोई ड्रामा प्रोड्यूस करते तो अपने बेटे को उसमें हीरो लेते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया, या जावियार ने अपने फेस वैल्यू को यूज़ किया अपने सभी ड्रामों के लिए, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। तो मूविंग ऑन, मेरा ख्याल है कि हमने घंटा लगा दिया, अब 4 नए ड्रामा जी। मूविंग ऑन टू ज़ुबैर, कितना टाइम हो गया? मूविंग ऑन टू फेरी टेल को एंड कर दो जी। मूविंग ऑन टू फेरी टेल जी। फेरी टेल मजे का था। अच्छा हाँ, रमज़ान ड्रामा में सबसे ज़्यादा हाइप भी इसको मिली है, और वेल डिजर्व्ड हाइप मिली है, जैसे कि हम तारीफें करते रहे हैं। आ रही हफ्ता आप डिस्कस करें अपने दर्शकों के साथ। आखिरी हफ्ते में मैक्सिमम तो कुछ इतना हुआ नहीं, शो की थड़थली मची हुई थी जिसमें सबने जाना था, और फिर उसमें ये हुआ कि होस्ट कौन करेगा, और इसके अलावा अली सफीना को कन्फेस भी कर दिया उसकी बहन ने, फरजाद की बहन ने, मीमी ने, उनका भी हो गया। और बस ये है कि थ्रू आउट एंड तक, लास्ट एपिसोड तक बस उनमें चपकलिश चलती रही, फरजाद की और उम्मीद की, जो कि इवेंचुअली फिर वो हो गई। बट खूबसूरती यस, आई मस्ट से एक्टरों ने बहुत प्यारा काम किया। हमजा सुहेल सबसे ऊपर रहेंगे, अगर मैं किसी को वो करूं, रेट करूं, सहर खान भी, हाँ वैसे यस। यार वो आपने मुझे बात बताई, बाद में मैंने वो देखा, बाद में मैंने उस चीज़ पे नोट किया कि वाकई यार ये बंदी जब सोच रही होती है ऐसे ऐसे करती है, कितनी यूनिक चीज़ है और नई चीज़ है। यही चीज़ होती है कि एक एक्टर अपनी तरफ से क्या ऐड करता है, क्या इनपुट डालता है, बिल्कुल, या डायरेक्टर क्या इनपुट डलवाता है। उससे ये होता है कि जब आप किसी की कोई चीज़ इस तरह से या कोई एक सोचते हो इस तरह से, तो फिर आपके दिमाग में वो कैरेक्टर बैठ जाता है, कनेक्ट कर जाते हो आप उससे। तो जैसे अब ये सितारा का सिग्नेचर स्टाइल नहीं रजिस्टर हुआ, क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं होता था, उसकी एनर्जी के साथ मैच नहीं होता था, जो एनर्जी रिक्वायर्ड तारा की। तो ये एक मतलब तारा अगर छिछोरी होती ना तो वो ये करती तो समझ आती, लेकिन आगे जाके पता लगता है तारा छिछोरी नहीं, ऐसी नहीं है वो, तो इसलिए वो उसके उस कैरेक्टर को ये सूट नहीं किया। अब उधर वो जो है ना वो बड़ी बेवकूफ सी है, तो मुझे ऐसे पता लगता है कि वो तो ये इस अच्छा, मुझे समान अंसारी की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है इस ड्रामे में, जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होती। समान अंसारी, उनका करैक्टर मैं वही जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था, बस वो हंसती भी नहीं थी, मतलब कोई चीज़ लाइक कोई डायलॉग भी कहती थी तो मुझे हंसी आ जाती थी, और हालांकि वो हंसने वाली बात भी नहीं होती थी, बिल्कुल आप बेसाख्ता हंस पड़ते, बेसाख्ता। तो मुझे समान अंसारी भी बहुत अच्छी लगी, केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है। बस ये है कि बस अब इनके फैन क्लब्स ना बन जाएं, और इतना प्रेशराइज ना किया जाए कि इनको बार बार कास्ट किया जाए। और फिर पता आप इस ट्रेंड को लाइक करते हो, बार बार ले नहीं, हाँ नहीं है ना, चाम खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक हर एक का एक अपनी खूबसूरती होती है। अभी बाद में अब फवाद खान और माहिरा हो गए, ठीक है, नहीं मैं फवाद खान और सनम सईद की बात करना चाह रहा था। इतने अरसे बाद हम उनको देखे तो एक्साइटेड है ना, अब अगर उसी साल ही आ जाता जिंदगी गुलजार है कि अगले साल ही, या उसी साल में 2-3 ड्रामे कर लेते, तो उन्हें कहता क्या यार है कि जोड़ी फेर चौक चौक के पा देती है, लेकिन अब इतने सालों बाद अब बरज़ख में आएंगे तो हम देखें, एक्साइटेड होंगे ना। तो ये सीन है, आपको गैप लाना पड़ता है अपनी जोड़ियों को रिपीट करने में, वही जोड़ियां बार बार ने लेके। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि बस बहुत ज़्यादा, जैसे इसका रिसेंट जो है एग्जांपल वो अरसलान और अमन सलीम, उन्होंने बड़ा अच्छा चुपके किया, तो चुपके की सक्सेस को देखते हुए इनसे परिस्तान कराया, तो परिस्तान उतना हिट नहीं हुआ है ना। तो फिर यही मैं चाह रहा हूँ कि हमजा सुहेल और सहर खान को दोबारा इतने कम टाइम में नहीं करना चाहिए कास्ट, तो इससे ही होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी खराब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, आई थिंक दैट्स इट। बाय द वे शाउट आउट दे देते हैं हम डायरेक्टर, राइटर, सबको, हम टीवी की टीम को के अली हसन यस कि उन्होंने अगर एक ही ड्रामा जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट किया है इस पूरे रमज़ान में तो वो है, पता है मेरे शुरू में हिनारिस वी का जो है ना वो करेक्टर नहीं मेरे माइंड में रजिस्टर हुआ था आहुजान का, बाद में वो भी हो गया, वो भी एक इंटरेस्टिंग करेक्टर था जिस तरह वो बोलती थी और जिस तरह से वो पहले मैंने कहा ये क्या इन्होंने अजीबोगरीब उठा लिया है, मैं तो सोने की कंगन ही जी। अच्छा ऐसे एक कोई एक इंसान हमारे आसपास भी इस तरह की हरकतें करता होता था, सेम यही वाली। अल्लाह बख्शे क्यों अल्लाह हम सबको बख्शे यार, क्या हो गया। चले मूविंग ऑन टू चिंटू की मम्मी, लास्ट 2 एपिसोड। चले वो आप करें, मैंने नहीं देखी। जी मून, चिंटू की मम्मी नहीं देखी? अच्छा बहुत अच्छी थी ड्यू टू अलालत। अलालत में मैंने सारी लंबी घंटे एपिसोड देख लिए जो बेचारी 20-20 मिनट की, वो क्योंकि मैं तसल्ली से देखना चाहता हूं, मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा। अच्छा इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट 2 एपिसोड्स वर सो गुड। हुआ ये कि जी वो मौलवी वाली बात जो हम बात कर रहे थे हमारे लास्ट रिव्यू में कि जी जब आपको मौलवी ही इतना प्रेशराइज कर दें या आपको गलीज समझने लग जाएं तो फिर आप क्या अपनी तबलीग करोगे या अपने आप को क्या एक सही रास्ता अख्तियार करोगे जब आपको बार बार मलामत इतनी की जाएगी। तो आपको सही रास्ता चलाने से पहले ही आपको इतना गिरा दिया जाए कि तो आप क्या एक डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को बड़े ही इंटेलिजेंटली फसी बारे में आखिरी 2 एपिसोड्स में इस चीज को मेंशन किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद उन्होंने आइस वाली चीज को और वो क्या है क्योंकि चिंटू को भी उन्होंने इन्वॉल्व दिखाया और इस चीज का भी उन्होंने काफी जो है बड़ा बोल्ड स्टेप है जो कि उन्होंने उठाया है आइस वाली चीज को बिल्कुल करके। एक चीज मुझे ना फसी बारी के बारे में कहनी है यहाँ पे, मुझे इतना डर लगने लग गया है फसी से मिलने के लिए, भला क्यों। इतनी चीजें भी उन्होंने याद कर करके ना लोगों की डिटेल उस ड्रामे में इनको ऑपरेट की हुई है कि भाई ड्रामे के रिव्यूज जिस तरह होते हैं उनको भी डिस्कस किया है या कोई भी आप एक नॉर्मल कोई आपकी कोई चीज चल रही होगी ना आपकी लाइफ में, उन्होंने हर एक को उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। सो उस चीज का यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन भाई बहुत है, बहुत बियॉन्ड बियॉन्ड लाइक मतलब हम लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर 1 है तो उनकी 1000 है एग्जैक्टली। मतलब वो जिस तरह की चीजें वो मुशाहिदा बहुत है भाई। यस, और मेरे ख्याल में आप अच्छा लिखी मुशाहिदे के साथ सकते हो। अगर आपको मुशाहिदा हो, आप मिलते हैं रोजाना नए लोगों से। मैं एक दिन में अगर 10 बंदों से मिला हूं तो मैं 10 के 10 में से एक को याद रखूंगा, मैं 9 को भूल जाऊंगा। लेकिन अगर वो एक दिन में 100 बंदों को याद देखते तो 100 के 100 को याद रख लेते और अपनी पर्सनैलिटी को नक्श कर लेते और उनमें से जो जो चीजें उठानी होती है ना वो उठा के तो वो अपने किरदारों में ये बड़ी खूबसूरती होती है। जो वो मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद आई। और इसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो जो मौलवी वही जो अब्दुल्ला इजाज बने हुए थे उनके साथ उनका, अच्छा वो किरण को वो लट्टू हो गई। अच्छा ओके। अच्छा एक और जो चीज ज्यादा मुझे मजेदार लगी उसमें उन्होंने ये भी चीज दिखाई कि जिस वो जो लड़की पप्पी दूसरी वाली जो के पठान से मिलती है, अब वो जो है वहाँ जब जाते हैं तो वो रोने लग जाती है ज़्यादा। मतलब वो शर्मिंदा होती हैं और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है। तो जब रोने लग जाती है तो उधर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं कि वो जो मौलवी साहब की माँ बनी हुई होती है ना, वो उसको उसी वक्त इशारा कर देती हैं कि मेहनत इस वाली पे करनी है। ओके, तो ये कमज़ोर कड़ी है। हाँ ओके, तो ये जल्दी हमारे झांसे में आएगी। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक कारोबार चल रहा है। बिल्कुल बड़ी मजेदार एक चीज मैं आजकल देख रहा था कि 1990 में मौलवी कहते थे तस्वीर ना खींचो ये हराम है। नाउ इट्स 2023, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही है। सो ये वही वाली चीज है। तो जो एक इस्लाम भी नाउजुबिल्ला मौलवियों ने बिजनेस का बना लिया। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। अच्छा खैर, उसके बाद जो चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी, बुरी नहीं कहनी चाहिए, अंडरवेलमिंग कह सकते हैं, एक कमी रही। बेसिकली वो जो किरण का और मौलवी का प्लॉट था वो थोड़ा और बड़ा हो सकता था। वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। 5 एपिसोड सिर्फ। हाँ, इतना इंतजार सिर्फ 5 एपिसोड। हाँ तो वो एक थोड़ा सा मजा। खैर एंड में फिर वो दिखाते हैं कि किरण जो है वापस उसी उसमें अपने उसी क्योंकि वही सारी बात सारी मैं वही कहूँगा कि जब आपको वहाँ पे भी सुकून नहीं मिल रहा और आपको और बदसुकून नहीं मिल रही है तो जाहिर है फिर आप वही करोगे जो आपको ठीक लगेगा। तो फिर वो पप्पी और वो दोनों वापस दोबारा से अपनी उसी लाइफ में आ गए हैं और अब आगे सीजन चलना है। सो वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो वो कह रहे हैं सीजन 3 जो है वो इस सीजन 4 इससे बहुत बड़ा होगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम सो होपफुल सीजन 3 मैंने कंप्लीट कर लेना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कबाड़ खाना टीम एंड फसीबारी खान जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। चलें आगे, चलें जी, मूविंग ऑन टू यूही। जी मून यूही की 11वीं किस्त जी पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान ने कर ली हुई है रिव्यू, पता है आपको। अब तो मेरे रिव्यू की कोई औकात ही नहीं रहेगी, लेकिन हम कर लेते हैं कुछ। हाँ, क्या करें। ये एपिसोड थी एक्चुअली जिसमें किम की और उसकी दाऊद की शादी होती है। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किम जो है वो जो जुल्फी को शादी के लिए इन्वाइट करने के लिए आधी रात मेहंदी वाले दिन दाऊद को लेके चले जाती है। अब वहाँ से घर पे वापस आते हैं तो सारी टीम उनका फैमिली उनका वेट कर रही होती है। वहाँ पे दाऊद झूठ बोलने लगता है, फलूदा खिलाने गया था, कहती नहीं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो जुल्फी को मिलने गई थी, जुल्फी को शादी के लिए इन्वाइट करने। वहाँ पे मुझे किम की ऑनेस्टी और किम की वो जो चीज़ है मुझे पसंद आई। मतलब हाँ ठीक है तुम लोग गए थे तो बता दो उसमें क्या है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि जी मैं फलूदा खाने गया था और मैं इसको रात को आधी रात को घुमाने छुमाने लेके गया हूँ, कोई नहीं ले गया था, मैं इसको ले गई थी, ये मुझे नहीं लेके गया था। तो कुछ जगहों पे मुझे किम बहुत अच्छी लगती है, जब उसको उसका बाप भी समझाता है कि जो दादाजी जी कहते हैं जो मेरे ताया जी कहते हैं वो ठीक है। वो कहती नहीं हर ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो बड़ा बंदा बात कह रहा है वो ठीक ही कह रहा हो सकता है कि जो छोटा बंदा बच्चा बात कर रहा हो वो ठीक हो। और ये बात मेरे ख्याल में इरशान हम भी अपने चैनल पे कई दफ़ा कह चुके हैं कि नहीं ज़रूरी कि जो बुजुर्ग बंदा या बड़ा बंदा बात कर रहा है वो हमेशा ठीक हो, इस चीज़ को समझ जाए। हाँ, एक मसला ये जरूर होता है कि जब कोई एक बुजुर्ग बात कर रहा हो और अगर आप उसके मुंह पे डायरेक्ट कहें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो बदतमीजी के जुमरे में आता है। यस आता है। आपको अपना तरीका फिर चेंज करने की जरूरत है कि जब आप किसी बुजुर्ग को समझाने की कोशिश करें कि वो गलत है तो वो उनको डायरेक्ट मुंह पे ना कहें, उनको गलत कहने का थ्रू प्रॉपर चैनल हाँ जो भी है आपको मेरी बात समझ नहीं है ना, तो आपको तरीका चेंज करने की बहुत जरूरत है। हाँ आप बात करें अंकल से, मैं तो नहीं करूंगी। हाँ मतलब वैसे भी नहीं, मैं वैसे किम बेचारी को कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ये हम जनरली कहते हैं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। किम का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है ना, वो तो है ही ऐसे ही ना बदतमीज सा, वो तो है ही रेजिस्टेंट रेजिलिएंट, तो वो तो बहुत अच्छा कर रही है मायाली। मुझे तो अच्छा लग रही, मुझे बहुत अच्छी लगी। कल भी जो मैंने जब एपिसोड देखी क्योंकि मैंने तो कल ही मैंने तब भी देखी थी, तब देखी थी थोड़ी सी लेकिन मुझे भूल गई थी, मैंने दोबारा रात को देखी। हाँ, तो मुझे वो सीढ़ी वाला सीन याद था, उसमें लेके जा रही होती है और वो कहती है कपड़े, अब वो कहती अब तुम्हारे कपड़ों के लिए मैं शादी कर लेती हूँ। चलो मुझे एक और वजह मिल गई है डेविड से शादी करने। मुझे एक चीज वो बड़ी अच्छी लगी, वो जो रजिया सुरैया और तीसरी कौन है इकबाल जो है ना उसका वो भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया उसका टुवर्ड्स किम क्योंकि वो उसकी वजह से जुल्फी की वजह से एक वो भी चीज बड़ी अच्छी थी। रजिया सुल्ताना वाला सीन आप डिस्कस करना चाह रहे हो? नहीं, रजिया सुल्ताना नहीं, उसने फिर उसको टेररिस्ट कह दिया, कर लेती हूँ मैं तुम्हारे टेररिस्ट भाई से शादी। वो एक गलत चीज, छोड़ दे अब निकाल दे उसको। इतना ब्लैकलैश आपको मिल गया राइटर को टीम को, इस सीन को भी निकाल देते लेकिन उन्होंने कहा हमने 11वीं किस्त में भी घुसाना है। ठीक है, बाकी मुझे बड़ा वो हमारी जो पाकिस्तानी टिपिकल माशरे की सोच है उसकी अक्कासी इन्होंने दिखाई इस ड्रामे में। सरवत नज़ीर ने बड़ी खूबसूरती से 2-3 दफ़ा, मतलब अगर दादे ने भी यही कहा कि बीवी को दबा के रखना है, मर्द जब औरत बीवी बन जाती है तो मर्द उसका हाकिम बन जाता है, हुक्म तुमने चलाना है वो महकूम रहेगी। जब कमरे में दोस्त कमरे की सजावट कर रहे होते हैं, वो मसेरी लगा रहे होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी को नीचे लगा के रखना है, तुमने नीचे नहीं लगना। तो ये हमारे समाओ आप दिमाग में ये चीज़ डाली जा रहे हैं सभी मिल के। हालांकि वो सुनना वो उसने जबरदस्ती भी नहीं कहा कि मुझे बताओ, लेकिन लाइक हाँ यू आर राइट, जबकि दाऊद में डाली जाती है। दाऊद इज अ जेंटलमैन, जब वो उसको ऐसे बाजू पकड़ता है तो वो कहती डू नेवर टच मी विदाउट माय परमिशन। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था, नहीं इसी एपिसोड की 11वें एपिसोड की बात है। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, मतलब उसको एहसास है कि मैंने रोब शोब नहीं डालना, मैंने इसको उस तरह लेके चलना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे डेविड का कैरेक्टर भी बड़ा पसंद है, मुझे किम का कैरेक्टर भी बड़ा पसंद है। लेट्स सी, अब बाबा जी जा रहे हैं वापस अमेरिका। ये बड़ी बेवकूफ़ी लगी मुझे बात, बस उसको किम को हालात के धारे पे छोड़ना है। मतलब किम क्या कोई चुन्नी थोड़ी है, मतलब किम तो बेटा सारे खानदान को नाको चने चबाएगी। मैं किम को बताए बगैर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें क्या लगता है किम चुप करके बैठेगी? ये वाली जरा छून हरकत सबको नाको चने चबाएगी। ये थोड़ा सा राइटिंग फ्लॉ है, मान जाओ तुम। बाकी ठीक है, अच्छा ये ठीक था। एक और चीज इजाबो कबूल वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे तो वो एक ही मौलवी साहब रखे हुए हैं ड्रामे में आदर। वो कहती है मुझे तो कबूल है, इससे पूछ ले, मुझे तो कबूल है, इससे पूछ ले। वो दाऊद बेचारा तीनों बार कहते कबूल है कबूल है कबूल है, कि मेरे को बार बार ना पूछे, एक कुड़ी ने पता नहीं हो कि कर देना। तो मजे का था। बस वो ज्वेलरी वाला सीन भी अच्छा था, जब वो उसको हैवी ज्वेलरी बना रहे थे, वो भी ठीक था। वो भी मेकअप शेकअप वाला सारा सारा अच्छा था। रजिया भी अच्छी लग रही थी। रजिया भी बड़ी फनी लगती है खाकान को। अगली एपिसोड में है कहते मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, उसको उसको हुस्ना को हुस्ना के दवा मगरों लात बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो नहीं करेगी, वो बड़ी अच्छी है। चले तेरे बिना मैं नहीं, मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं। 17 और 18 दो किस्तें जी। बड़ा मजा आ रहा है, मैं कुछ फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं? आप के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज तो नहीं हो रहे? मेरे नहीं हो रहे, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो रहे, लेकिन नूरुलैन नेगेटिव होके सामने आ रही है। मतलब जिस तरह से एक टेंशन दिखा रहे हैं ना ड्रामे में, अगर ये सिचुएशन रियल लाइफ में भी हो ना तो टेंशन ऐसी ही होती है। हाँ। कि जिसमें आपको कोई रास्ता ना मिले। हाँ। अब मैं फिर वो कहूँगा कि मैं कुछ ज्यादा ही एमए नफ्सियात करने बैठ जाता हूँ इस ड्रामे के ऊपर, लेकिन मैं अगर इसको आप रियलिटी बेस्ड रियलिटी समझ के देखें कि जब आपके पास कोई इस तरह से टेंशन आती है ना, तो टेंशन नाम ही इस चीज़ का है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, सो नाउ हम ड्रामे की सिचुएशन में हैं जहाँ पे टेंशन हर तरफ है। आपको नहीं पता आपने कौन सा घर चूज करना है। आप तहनियत की साइड पे हो, नूरुलैन की साइड पे हो, या मुर्तजा की साइड पे हो। तो मुझे तो इस 2 एपिसोड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या होने क्या जा रहा है। आप बताओ। अच्छा, मुझे तो इन 2 एपिसोड्स का सबसे पहले तो बहुत मज़ा आया। मैंने कल ही देखी है। मैंने भी कल ही देखी है, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे नूरुलैन थोड़ी सी मुझे लगा कि नेगेटिविटी वाली साइड पे आ रही है। जब वहाँ पे उनकी गाड़ी में टक्कर होती है, जहाँ पे नूरुलैन की गाड़ी ख़राब होती है। हाँ। तो तहनियत कहती है कि रास्ते में अगर रोकने वाले या तो लुटेरे होते हैं या फिर फ़कीर होते हैं। तो उसने कहा ना तो मैं फ़कीर हूँ ना वो, मैं तो फातेह हूँ। हाँ। कहती फातेह तो नहीं हूँ, इस किले को तो मैं पहले फतह कर चुकी हूँ। हाँ। तो तुम सेकंड हैंड होगी, तो मतलब मुर्तज़ा तुम्हें सेकंड हैंड मिलेगा, तो ये बात ना भूलना, अभी भी मैं उसके निकाह में हूँ। तो मुझे बड़ी प्यारी तहनियत की बात लगी। मतलब तहनियत हार नहीं मान रही है। मुझे तहनियत की सबसे प्यारी बात जो उसने लास्ट एपिसोड के, मतलब जो कितनी 18वीं एपिसोड के आखिरी सीन में मुर्तज़ा से करती है, कहती मैं आपसे तलाक नहीं लूँगी क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते, मेरे माँ बाप भी हैं, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, आपका भांजा भी है। हाँ। आपके साथ रिलेटेड है नूरुलैन, आप नूरुलैन को संभालें, मैं इन सबको संभालूंगी। कितनी प्यारी बात की है उसने। और ये बड़ा एक ऐसा, मतलब आप नूरुलैन को हाँ, ना तो उसके घर वाले एक्सेप्ट हाँ, करेंगे ये शादी। हाँ, मतलब उसके घर वाले हाँ नहीं कर रहे, उसके तो भाई ने सीधा सीधा गिरेबान पर, और ना इधर करेंगे, तो कहीं ना कहीं तहनीयत सही है। हाँ, उस वाले हाँ, पूरे उसमें हाँ, बट मुर्तजा कितना मजेदार लिखा हुआ है। मुर्तजा का कैरेक्टर बहुत, मतलब उन्होंने हीरो ही नहीं दिखाया उसे। हाँ, कि वो हीरो भी फ्लॉड है। वो कंफ्यूज्ड है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहा। अगर एक टाइम पे वो नूरुलैन से मिलता है, वो अपने सारे इरादे बदल के आता है, मैं सिर्फ नूरुलैन का हूँ। घर पे आता है, तहनियत से बात करता है, उसको लगता है तहनियत तो बहुत अच्छी है, इसको भी नहीं छोड़ सकता। फिर माँ के पास जाता है, माँ से डिस्कशन करता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं सारा कुछ हूँ। उसका दोनों को रखने का इरादा, मतलब उसको भी नहीं पता कि उसने अपनी लाइफ में क्या करना है। और बड़ा अच्छा महामलिक ने अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2 हफ्ते नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इमोशंस की जो वो इमोशन राइड कहते हैं, हाँ वो जो भी कहते हैं रोलर कोस्टर, रोलर हाँ सॉरी रोलर कोस्टर, उसका मुझे बहुत मजा आया। मैं इधर महामलिक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कि ड्रामा जो है वो बहुत सास बहू है, लेकिन सास बहू में भी इन्होंने जो ह्यूमन एलिमेंट ऐड किया है ना, जिसकी बहुत ज़रूरत है करंटली, तो आप बनाएं सास बहू ड्रामे, कोई मसला नहीं। सास बहू ड्रामे और कहानियाँ ये भी हमारी अपनी ही है, लेकिन इसमें आप कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें भी ऐड करें तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें अब जैसे आप देखें ना, अब उसके बाप ने, नूरनैन के बाप ने बुलाया मुर्तज़ा को, क्या हो भाई तुम क्या करना चाह रहे हो? उसने सीधा सीधा बता दिया कि तहनीत राजी है हमारी मेरी और नूरनैन। ताहिरा के बारे में क्या कहेंगे? ताहिरा तो मैंने नीचे कमेंट पढ़ा मैंने भी कमेंट किया है कि ताहिरा बाजी तो 80s की हीरोइन लगती हैं। हाँ। 80s की, वो 80 से भी पीछे की, पता नहीं वो कौन सी मावराई मखलूक है, वो पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। मुझे पता नहीं क्यों उनकी बातें नेगेटिव ज्यादा लगती है, मुझे क्यों उनका कैरेक्टर नेगेटिव लगता है, आई डोंट नो। हालांकि मेरी बात सुनो, तहनीत जो है ना बुशरा अप्पा, हाँ। वो भी बहुत नेगेटिव है। बुशरा अप्पा की तो आज मैंने एक एक्टिंग करके दिखा दिया तुम्हें तेरे बिन में, तुम देखो तो सही। चले फिर आगे चले, चले तेरे बिना मैं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड ड्रामा, यस बहुत अच्छा जा रहा है। चले फिर इसी की तरफ, तेरे बिन की तरफ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ जी मून, मेरे बन जाओ। ये मेरे बन जाओ इज अ वेरी गुड ड्रामा, बट ये क्या हुआ है 2 हफ्ते में, मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा मैं ना अपनी खाला के घर गया हुआ था ईद के बाद, तो ना वहाँ पे ये इसकी रिसेंट एपिसोड आई हुई थी ना मेरे बन जाओ की, इसकी तो बीच में मैंने एक एपिसोड नहीं देखी हुई थी। हाँ। तो मैंने देखना शुरू किया, मुझे लगा कि मैंने कुछ करोड़ एपिसोड छोड़ दिए हैं। हाँ मजाक के अलावा, मतलब वो घर भी चली गई और वो सब कुछ, उसकी शादी भी होने वाली, वो एक एपिसोड में हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा पिछले एपिसोड देखी, उसका ब्रांड भी चल गया, उसके डिजाइन किए हुए कपड़े, वो भी एक मुझे थोड़ा ना इतने गंदे कपड़े थे। ये 2 एपिसोड बहुत बुरी थी, सॉरी मुझे कन्विंस ना करना कि अच्छी थी, अब कुछ ज्यादा ही डिले हो गया। अच्छा कुछ तो, एक तो डिले भी हो रहा है, दूसरा ना अब ये रियलिटी से दूर जा रहा है। हाँ। अब अजमिया को जक्की जितना भी अच्छा हो उसके साथ प्यार नहीं हो सकता, और लेकिन वो एंगल हमें दिखा रहे हैं प्यार तो हुआ ही नहीं। वो जो आप उधर से अंदाजा लगा, वो जो इतनी गंदी पिंक शर्ट पहन जो पिंक शर्ट पहन के आता है, इधर डाल दो पिंक शर्ट, बेचारा बेचारे पे। रुक तो जाओ ना, मैं तुम्हें उसकी रीजन बताता हूँ। अब उस वो तो उसका दोस्त जो है नीच, उसने उसको ये कपड़े पहनाए, लेकिन द थिंग इज कि वो जब उस रूम में आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन थी कि अज़मिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन ज़की। हाँ, साफ पता लग रहा था कि वो क्या पहन के आया क्या नहीं पहन के आया, और उसने इस चीज पे गौर व फिक्र ही नहीं किया। तो उसमें आप एकदम ये एंगल डाल दें कि तो मुझे रोक भी तो सकते थे। हाँ। तो वो मुझे थोड़ा सॉरी टू से चे लगा, चे समझ रहे हो ना? हाँ। चहकता महकता, हाँ चहकता महकता लगा ना, तो वो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहोगे इस बारे में? मुझे तो पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा मुझे कुछ चीजें जो मुझे बहुत बुरी लगी, और जो एक और चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, वो जो फरदीन है ना, उसके अब्बू हैं, वो तो कोई गंदी, कोई कमोलिका, कोई फसादन बुढ़िया, 100 कमोलिका पीसे। हाँ। फसादन बुढ़िया, उनको फिर धूप में सुखाए। हाँ। उनका फिर एक सफरूफ बनाया। हाँ। और वो उन्होंने पी के वो आए हुए हैं। हाँ। बहुत बुरा, वो मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। हाँ। वो मतलब एक मर्द इस तरह की हरकतें करता हुआ बुरा लग रहा है। हाँ। वो बकरी सास बनी हुई है। अच्छा वैसे तो हाँ, मतलब वो एक मर्द तो खैर नहीं कहना चाहिए, ये जो जिस तरह की पर्सनैलिटी उनकी है, घर में रह रहा है कि मर्द हो जाते हैं अक्सर। नहीं वो घर में नहीं रहे हुए। अच्छा वो बाहर काम करते ना। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो उनका उनकी ट्रेड नहीं है ये। हाँ, फैमिली पॉलिटिक्स। हाँ, के ना जी घर से तो भाग गई। हाँ, थी हमारे सामने नहीं आ रही। हाँ, ये क्या है फलाना क्या है, तो वो कुछ ज्यादा ही थोड़ी सॉरी टू से वो थोड़ा। अच्छा मुझे तो अजमिया की भाभी बड़ी बुरी लगने लग गई है। हाँ वो तो क्या अजीब, इतनी अच्छी शुरू में दिखाई थी। हाँ। शुरू में कितनी अच्छी दिखाई है, उसको लेक्चर दे रही है कि तुमसे कितना भी प्यार करता हो उसके साथ अपनी प्राइवेसी नहीं शेयर करनी, उसके साथ ऐसे वैसे कोई हरकत नहीं करनी, ये नहीं करना। हूँ तेनों पता नहीं की मौत पै गई है, तेनों है कि मेरे सिर ते ना आके बह जाए, मेरे बच्चा पैदा तो कर ला पहले। बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा था, लेकिन ये 2 एपिसोड मुझे थोड़े बुरे लगे। ऊपर से ज़की के घर वालों की इतनी बेइज्जती की इस औरत ने, उन्होंने तेरी नंद को तना दी थी, उनकी बेचारों की अमीर गरीबों की। नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, दिस ड्रामा इज प्राइम एग्जांपल कि अमीर लोग गरीबों को कैसे जलील करते हैं। हाँ। तो हालांकि इतनी अमीर भी नहीं है ये लोग, अजमिया वगैरह एमी फजूल में बनाया हुआ है। हाँ। अजमिया तो आप उसे सलाइयां कर दी रही है फजूल च। फरानू इसमें भी रोई ना अजमिया की अम्मी इस एपिसोड में। बहुत बुरा रोई, बहुत। मेरी बात सुनो, कहाँ गया मेरा अवार्ड? ऑस्कर देना है, ऑस्कर ये आपका हुआ। सीमा बाजी, उनका नाम सीमा है। इस दफा नहीं ना आई। हाँ, इस दफा वो क्या था, वो नहीं ना आई, वो नहीं आई, तो इस दफा इन्हीं को मिलता है, इन्हीं को मिलता है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही, ड्रामा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होता जा रहा है, डी ट्रैक सॉरी होता जा रहा है। अब फराह को बिला वजह ही कह रही कि मुझे बचपन से फरदीन से प्यार था। हाँ वो भी, तुम अमेरिका पलटो, तू तो अमेरिका चली से बाजी, तेनू अचानक फरदीन ना प्यार हो गया। उन कहती मैं तो जन्मों जन्मों के साथ थी, पता नहीं केड़े जन्मा के साथ थी। और वो देखो ना अमेरिका की ब्रॉटअप है और वो इस तरह की फजूल फिल्मी बातें कर। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जैसे मुझे प्यार हुआ था। वो फाहा भी एमयूज के पीछे पड़ गई है, यहाँ पे ये भी एमयूज के पीछे। पता नहीं लड़कियों का और कोई मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है, बस ड्रामे के हीरो के साथ नथी होना है। हाँ। जो मर्जी हो जाए। चलो तो मूविंग ऑन टू हुक जी। मून हुक 19, 20, 21 तीन एक साथ वर्स, और हुआ कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ छोड़ देते हैं, हुआ कुछ भी नहीं। बस अब छोड़ देते हैं हुक, ठीक है छोड़ दें। हाँ है, बताएं क्या हुआ? वलीमे की रस्म, हाँ फिर से जायान की डटाई। भाई वो बंदे ने चपेड़ा खा दिया, वो बंदे ने बंदूका खा भी दिया, उस बंदे पाँव पे गोली भी खाई है, पाँव पे गोली भी खाई है, जख्मी भी हो शुरू में उस बंदे ने एक्सीडेंट भी कराए ने। हाँ उन्हें क्या नहीं, मैं नहीं छड़ना। बहुत गंदा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला। हाँ मेरे भी ऐहो ही लेनी है, ऐ कुड़ी लेनी है जी, ऐ कुड़ी लेनी है। ये गाना है ऐवें गलत बात कोई ना समझ जाए। ये गाना है उर्मिला का और गोविंदा का, फिल्म का नाम। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन गाना यही है कि ऐ कुड़ी लेनी। फिल्म का नाम है कंवारा और डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। ऐ कुड़ी लेनी, अजीब। घर तक पहुंच गया उनके। हाँ। वो बेचारे लंच करने आए, मतलब और इतना वीक सिक्योरिटी सिस्टम है कि ज़यान जो है वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ लेता है। वली वहां पे, हाँ। सारे गार्ड्स वहां पे, सबको पता है कि ये है एक, और वो उसी कमरे में चला जाता। हाँ। है जिस कमरे में वो है। उसको नक्शे का कहां से पता चला कि यहाँ पे है, आदुलन बन के बैठी। हाँ। होगी। अब वो इतनी थले रख, मतलब वो हम फिल्म देख रहे थे फराज, उनके पास कैफे का नक्शा नहीं था, एक मशहूर कैफे का नक्शा नहीं था। इधर हमारे राइटर जो हैं वो ऐसा करैक्टर लिखते हैं कि हमारे हीरो के पास दुश्मन का घर, जिसमें जो बहुत सिक्योर है, उसके इची बिची पता है। तो ये भी मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ। साइमा जो है वो भी मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है। साइमा एक टिपिकल औरत बन गई है इस ड्रामे में। हाँ टिपिकल ड्रामा की। हालांकि अगर आप उनके शुरू में देखें तो वो ऐसा नहीं था। और मैं एक चीज देख रहा था, पता नहीं कमेंट पड़ा था कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कभी सोया ही नहीं, भी तुम रो क्यों रही हो? भाई तुम क्यों? उनके तो अभी भी कमरे अलग-अलग हैं। फजूल। हाँ मुझे पता है, जाफर का कमरा अलग है, जाफर का अलग है, और मोमना का अलग है, मैमूना। तो भाई तुम एक अपने हस्बैंड के लिए रो क्यों रही हो, जो अब जब तुम उसने तुम्हारे पे तो वैसे ही कभी आंख नहीं रखी। हया की बहन को बातें सुनाती बेचारी को, नेटी को, नताशा नाम है ना उनको। और वो सॉरी टू से वो जो एक शॉट आता है, मतलब इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर याद नहीं। सॉरी टू से वो जो एक शॉट इधर आएगा, तुम पता नहीं, अब जरा इधर लिख लो, मैं बता देता हूँ। वो जो नेटी जब शॉपिंग करके आती है, तुमने भी देखा था। हाँ अब वो कैमरा नीचे से ऊपर जाता है, भाई तुम देख लो उस बेचारी के कपड़े ठीक है नहीं है। चल कुछ नहीं, तुम्हें मेरी बात समझ लग रही है? देख रही ये शॉट जब डल जाएगा तो आपको, मतलब आप एस्थेटिक्स तो देख लो ना। हाँ। कि आप किस तरह से वो शॉट ले रहे हो। हाँ। आप कोई गंदी फिल्म नहीं दिखा रहे सिनेमा के, मतलब कपड़ों का तो देख के लिहाज करना। अच्छा वल्गैरिटी, वो जो हमने उस फिल्म में देखा था ना, 11 वे नहीं, टिच बटन। हाँ मतलब ठीक है, दिखाओ शॉपिंग बैग्स दिखाओ, लेकिन वो जो एक, हाँ जी जब तुम डलवाओगे ना ये शॉट, तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी। ऐसे कैमरा पैन हो रहा है, तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी ये सीन डलवाते हो। ठीक है तो रेशम का रिश्ता, और रेशम का इस सब में इतने इंपॉर्टेंस क्या है? रेशम क्या चाहती है? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशम? रेशम इच्छी खासी खुश होगी। रेशम ना साइमा को जो है ना फ्लॉप करना चाहती है। लेकिन कर 90s में आ गए हम। क्या लेकिन क्या लेकिन हाँ दूध पंजामा की मलाई बच्चा बड़ा प्यारा गाना यार, सामा का है ना। हाँ। अच्छा खैर कोई नहीं, और कुछ नहीं है यार। मैं 3 एपिसोड देखे, इतने जलील हो गए। देखे जयान जो है ना, हाँ, कुत्ते की मौत मरेगा। ये टीच दा बच्चा बटाल दे नहीं पिया, और ये देखो हीरो है वो हमारा, और हम हीरो से कितने जलील हुए हुए हैं। टलता ही नहीं, बाज ही नहीं आंदा पिया यार। एक और गंदी बात, हाँ। एक और गंदी बात, उसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो जो ज़यान ने धक्का दिया उस बेचारी लड़की को, वो कितना, वो भी डालो इधर वो सीन। वो बेचारी का सर लगा है कोई, पता नहीं केड़ी चर्च पी के सुता होया सी, उन्होंने भी धक्का देता बेचारी नू। और वो वापस आई उधर हॉस्पिटल से, हाँ। तो उसमें कोई जख्म भी नहीं। वो जो अंकल कह रहे थे, मुझे लगा वो मर गई। हाँ। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने कहा ये मर जाएगी ना तो फिर मजा आएगा। हाँ। फिर बाबा जी इसको जायदाद से आग कर देंगे, इसको निकाल देंगे, फिर दर बदर भटकेगा। नहीं नहीं, उन्होंने बेचारू एक चोट भी नहीं लगी, चंगा भला बेचारी लगी सी, बाल ऐसे खोल के आ गई ऐसे करके। सदफ मैं क्या गई जे नहीं, सदफ भी बड़ी टीट है, ज़यान तो बात टीट है, ज़यान से ज्यादा टीट सदफ है। चलो और कुछ हुआ है? दफा करो, लानत भेजो, हुआ भी है तो लानत भेजो। और कुछ सोचने दो ना, एक और भी कोई चीज हुई है। मैंने लिखी तो सारी चीजें हुई हैं। उसने अच्छा वो इनके घर डिनर करने गए, वही तो मैंने तुम्हें कहा है, उधर ज़यान पहुंच गया। हाँ। उधर रेशम ने बुला लिया ना उसको। हाँ वो भी। अच्छा एक मिनट, वो जो फोन था वो ज़यान रख के गया था हया के सराहने, लेकिन हाथ लग गया वो रेशम फिर चैटिंग करती रही हया बन के ज़यान के साथ, और उसने उसकी बहन के घर बुला लिया। वो आउट ऑफ नोवेयर ही आ गया ना कि ये तेरी माँ का घर हुंदा है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक इसे क्रॉस लगाओ, अभी क्रॉस लगाओ कि हुक नो, क्योंकि और अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, तो ये इस तरह के ड्रामा हम नहीं देख सकेंगे। चलें जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। जी मोहन, तेरे बिन। अच्छा तेरे बिन एपिसोड 35, 36, 37, 38। हाँ नहीं जी, 33, 34, 35, 36, 37, 38। हाँ। बहुत माल है आप उनके साथ। हाँ चलो। हद हो गई, इतनी बेइज्जती, ये कैसे प्रबट्टा कैसे ऊपर किया ना, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ ला खड़ा कर दिया। हाँ क्या कर दिया खुदाया। ये अच्छा खैर, मुझ पे ना बस चला तो मेरे बेटे को मेरे सामने ला खड़ा कर दिया। यही बराए खरनास, इसीलिए बराए खरनास। नहीं कर सकती, नहीं जा सकती मेरे खिलाफ, यह नहीं हो सकता। अजीब यार, क्या है ये? वैसे हम 36वीं एपिसोड की बात कर रहे हैं, जब पता चलता है माँ बेगम को कि मरियम किसी लड़के से प्यार करती है, जो बकायदा उन्होंने ऐसा परवट्टा भी ऊपर किया ना, आईब्रोज। मुझ पे बस न चला तो मेरे बेटे को मेरे सामने लाखड़ा कर दिया। अच्छा वेरी बैड ड्रामा। अब तो लोग कहते हैं कि अब वो इंट्रिग वैल्यू भी नहीं रही, अब वो वाली वैल्यू भी नहीं रही कि इसको रोस्ट ही कर सके। क्या ही रोस्ट करे बंदा, इसको कितना को रोस्ट करे, रोस्टिंग वैल्यू भी अब इसने खो दी है अपनी। साबरा। हाँ क्या कहेंगे मूड इस? कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या हुआ? अच्छा मुझे जो वो आंटी आई है एक फेक रिश्ता लेके। क्या वो चुड़ैल औरत थी सीमा। मुझे ना एक बात सुनो, सीमा तेरा करा कीमा। एक बड़ी फनी बात सुनो, मुझे और नाम जिंदगी में किसी के याद नहीं रहते, तेरे बिन के याद रह जाते हैं। सीमा तेरा करा कीमा, मलिक जुबैर। हाँ। अंस। अच्छा खैर तो सीमा जो है वो कैसी, मैं जो आ गई हूँ मेरे बेटे का आपने क्या करना है। सीमा रहती रेड लाइट एरिया। तो वो घर कौन सा था? अजमिया वाला। बड़े घरों की पहचान है भाई तुम्हें। और वही अजमिया वाला जो घर था वो किसका था? वो मुझे प्यार हुआ था में जो है ना, साद और माहिर का। हाँ वो सीढ़ियाँ से चढ़ के, वो यही घर था, बालकनिया से नजर आती है। ओके जी खैर, तो वो इस 4-6 एपिसोड में कहानी शिफ्ट हो गई है मरियम की तरफ। तो ये क्या एक नया रुख पकड़ा है ड्रामे ने। और बाय द वे हया भी जानती थी कि वो मलिक जुबैर है। हाँ। वो एक जो था ना, वो किसी ने जो कमेंट किया था वो सही किया था, वो सही था। हाँ हाँ, हाँ वो ये मैं लोग बड़े डीपली देखते हैं इस ड्रामे को। गेम ऑफ थ्रोन्स यार मैं ये देखें, मैंने ना इस ड्रामे को क्षमा कर दिया है। क्यों? अच्छा मैं उसकी एक वजह बताऊँ आपको। जी बताएं। मैं ना कल बहुत डिप्रेस था, आपको पता है मेरे सारे व्यूवर्स को भी, कि मैं बहुत बीमार हूँ। मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डिप्रेशन में आके ना मैं फिर अपने फेवरेट ड्रामे देखता होता हूँ। तो मैंने ना कल डर सी जाती है सिला देखा कुछ एपिसोड्स, क्योंकि पूरा तो मेरे से कभी ज़िंदगी में नहीं देखा जाएगा, इतना हौसला मेरे में नहीं है, इतना मेरे में क्राइंग पावर नहीं है मेरे अंदर। क्राइंग पावर? अच्छा ठीक है। फिर मैंने देखा प्यार के सदके। अच्छा ये दोनों मेरी लाइफ के मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जिस बंदी ने मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट दिए हों, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये अनएथिकल होगा कि मैं उनकी बेइज्जती करूं। तो मैं अब से यमुना जादी को कुछ भी नहीं कहूँगा। ला बख्तावर में रोल के जलील करके चपेड़े करा के इश्के ला में उसकी ज़िंदगी तबाह करके तेरे बिन में उसको किसी ठिकाने का ना छोड़ के अब मैं यमुना जादी को कुछ नहीं कहूँगा। ये कहाँ का मीरम को कहूँगा ना। ओके मीरम तो अभी भी वहीं खड़ी है। मीरम की देखो तुम क्या चाहती है वो यार। अच्छा मेरी बात सुनो, सारे जो है ना इसके वही है क्या लफ्ज़ यूज़ करूं, 3-4 उसी तरह के लफ्ज़ मेरे ज़हन में आ रहे। हाँ। सारे नखरे अदाएं सारी वो है, ठीक है समझ आ गई तुम्हें। हाँ। ठीक है सारे चीज़ें वही हैं, लेकिन मनना नहीं है कि मैं इतना प्यार हो गया मैनू मेरे बंदे ना की नकाद दो बोल पड़े ने बाजी मान जा। जरूरी है कि 70वीं किस्त में जाके तो कहना कि हाँ मैंने मुर्तसम तेरे ना प्यार है। उधर देखो ना वक्रा सीन क्रिएट कर दिया वो यार, वो बेचारा किसी गरीब बेवा यतीम बच्चों को पैसे दे रही है, कहता ये कहती है तुम्हारी दूसरी फैमिली है, भी तुम्हें उनका वो गंदा सा घर दे के हुरिया दे के लगा कि मीर खान मुर्तसिम खान इस औरत के साथ। 6 एपिसोड देखे ना तो बहुत स्टार प्लस बहुत ज्यादा वो स्टार प्लस के ड्रामे ऐसे पता है इस तरह ढम ढुश अब्बू अपनी मर्जी से आ गए, चाय जो दी है उसको। हाँ शुक्र है उसने शेरवानी बदल ली है। उसने इचरे की शेरवानी, उसने अनारकली की शेरवानी उतार के ना पेस की शेरवानी पहन ली है। पेस जल गया है। पेस की और ब्रांच से किसी और ब्रांच से लिया होगा, मॉडल टाउन वाली ब्रांच से। लेकिन नहीं ना वो जो है अब्बू जो है तो वो क्यों आए अब यकदम ही आई डोंट नो, जिसका वही राशन खत्म सुहेल समीर का नहीं खत्म हो सकता। नहीं तो फिर क्यों ऐसे होता है कि जब जिसका दिल करता है वो आ जाता है। नूराबाजी ऐसे ही लिखती है। और जो माँ बेगम का मैं करेक्टर याद कर रहा हूँ शुरू के दिनों का ना। हाँ। जब हमने ड्रामा शुरू में देखा था शी वाज वेरी पावरफुल। हाँ भी माँ बेगम का डंका बजता था, इतना रोब था। हाँ। और लाइक मुझे से मतलब ऐसी कोई रेल में होती माँ बेगम तो बंदा उससे डर जाता। हाँ। और जो वो एक सीन मुझे याद आया जब वो कब्र पे लेके जाती है फरहान अली आगा को, और वहाँ पे उस फरहान अली आगा का डर देख के मुझे माँ बेगम से डर लगने लग गया कि भाई ये माँ बेगम जो है ये तो गला भी चीर देगी अगर इसकी कोई बात ना माने। अब माँ बेगम फनी लग रही है। अब माँ बेगम के सामने ये रोज पार्लर भी चली जाती हैं, ये रोज मॉल भी चली जाती हैं, मलिक जुबैर को भी मिलने चली जाती हैं, तो वो नए वाले को भी मिलने चली जाती हैं। ये एक अजीब माँ बेगम एक मजाक या कार्टून बन गया मेरे नजदीक तो, मतलब जो आपने रोप शुरू में दिखाया खान बरादरी का वो नहीं। अब इतनी कोई जाहिल है मीरब, यमुना नहीं मीरब इतनी कोई जाहिल है, मतलब लाइक आपका हस्बैंड आपकी हर बात ही मान रहा है। मतलब उसने अपनी बहन का भी यूजुअली अगर आप जितना भी कर लो जो हमारे बैकग्राउंड से बैकग्राउंड के। हाँ वो तो गैरत के नाम पे कत्ल सिर्फ इस बात पे कर देते कि मेरी बहन किसके साथ चक्कर चलाया। मतलब अगर आपको आपने उतना कन्विंस भी किया उसे चलो ठीक है दैट्स वेरी गुड, वो कन्विंस हो भी गया और अभी भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं अपने पति को लेके, फिर भी वो मतलब इस ड्रामे में हिंदी बोला करो। हाँ क्योंकि ये ड्रामा ही हिंदी है। हाँ। ये ड्रामा ही डेली सोप वाला है तो अगर इसके एपिसोड हफ्ते में 7 भी आएंगे तो स्टोरी तो चल जाएगा। हाँ। आप इसको मेरे ख्याल में 2-3 साल और चलाएं तेरे बिन को। हाँ। यमुना और पैसे कमाए, एड्स पकड़े। हाँ। बड़ा धड़ाधड़ जो भी चीज़ें आए करें, मतलब आपने तो आपने ड्रामे की पॉपुलैरिटी ज़ाया कर रहे हैं। मैंने तो पहली दफ़ा कोई ड्रामा देखा है जो कि इतना हिट हो गया है जिससे अब लोग बोर हो रहे हैं। बोर हो गए लिटरली। इवन मेरे हमसफर में भी लोग नहीं बोर नहीं हुए थे, एंड तक चल रहे, एंड तक वो हाला को और हमजा को लोग लाइक कर रहे थे। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं पसंद लोगों को मुर्तसिम और मीरब की। और क्या मैक्सिमम क्या है, टॉम एंड जेरी भी आपने डिनर कर लिया, आपने कपल डांस कर लिया। अब आप एक और चीज देखो, 6 एपिसोड है ना, 6 एपिसोड में जितने भी दिन गुजरे होंगे उस दिन में रात का सीन मीरब और मुर्तसिम का जरूर दिखाएंगे, बेडरूम सीन। बेडरूम जरूर दिखाते हैं, जरूर दिखाते हैं, ठीक है। एक ये सीन, एक वो जो जिसमें वो साड़ी वाड़ी साड़ी नहीं, ब्लैक कपड़े और वो जो उसने हाईनेक पहनी थी, पीछे रात हो रही थी फिर आगे दिन हो गया, वो देखा आपने? वो दिन रात का भी इनकी तो कोऑर्डिनेशन खराब तालमेल नहीं है बिल्कुल, कि क्या दिन हुआ और क्या रात हुई है। यूजुअली मैं इन चीजों पे अक्सर क्रिएटिव लिबर्टी मैं कह देता हूँ कि दे देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। दिन मतलब आपके पास शूटिंग के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जब से हम शूटिंग करने लगे मुझे खुद रियलाइज हुआ है यार, ये तो हम छोटे से, हम एक छोटा सा चैनल है और हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतने बड़े पैसे इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपको इतनी कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज देना हर एक का उनका भी राइट है कि हम उनको दें, लेकिन कितनी दें ये नहीं दे सकते कि आप अभी दिन दिखा रहे हैं फिर रात आ जाएगी, उसी रात में दिन आ गया फिर उसी रात का आपके, यानी कि आपके जो मुर्तसिम और मीरब है वो नहाते ही नहीं है। मतलब मजाक में है तो ये मजाक की बात, लेकिन आप इसको किस तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं? देखो हया को भी गायब कर दी है, हया भी बेचारी लगी हुई है बस अपनी चालबाजियों में, वो भी नहीं कामयाब हो रही है। अब हया अब द थिंग इज कि अब हया के दिल में वो कहते हैं कि उससे मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड उसे ले ली, अब बचपन की बेस्ट फ्रेंड के पास जाके दिखाओ, उससे कहो बीबी तुम मलिक जुबैर से प्यार करती हो। हया खुद कंफ्यूज लिखी गई है, अब वो बेचारी एक्टिंग सबसे अच्छी, अगर अब मैं कहूँ अगर, क्योंकि वहाज के तो सीन ही नहीं है, नहीं है। वहाज को तो उन्होंने सिर्फ आई कैंडी रखा हुआ है करंटली, अब वो सिर्फ आई कैंडी के लिए यूज हो रहे हैं। यमुना के सीन है, यमुना मैक्सिमम क्या है, अच्छा समीर वाला सीन था ना वहाज का, उसमें तो मुझे वहाज वो लगा था बॉडी डबल ठाकुर, नहीं ठाकुर जो था शोले वाला, अच्छा ऐसे करके उसके कंधे छुपाए हुए थे बेचारे ने, बस शॉल ली हुई थी, वो शॉल चल गई है। वो शॉल जिनकी जिस ब्रांड की थी वो तो धड़ाधड़ पैसे छाप रहे, उन्होंने कहा हमने जो है ना वो मुर्तसिम का बाजू भी नहीं दिखाने, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो जो बाजू कटा हुआ वो अंकल कुमकुम गले के बाद ना मुर्तसिम शॉल मशहूर होगी कुमकुम, वो एक तो वो भी था ना, नहीं ऐसे कहते होते थे ना मेरे कुमकुम गला प्रेरणा गला, वो होते हैं अभी भी है। हाँ कुमकुम साड़ी, कुमकुम साड़ी, यस। तो अब जो है अब मुर्तसिम शॉल, तो आप खुद देख लें कि ये इंडियन ही है फिर सारा कुछ, वही कुछ है इंडियन ही कहना चाहिए, कहना चाहिए वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अब आप ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वही जॉनरा है, कल्चर वही, ये वही सोप जॉनरा है जिस जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है, हमारा बनाया जा रहा है, हमारा बनाया जा रहा है थ्रू दिस, ठीक है। मूविंग ऑन टू कुछ अनकही जी मून, आखिरी ड्रामा है ये। हाँ जी मून, कुछ अनकही का मजा आया मुझे, बड़ा फनी था, शुरू से बड़ा फनी था। अच्छा ये एपिसोड बहुत फनी था। हाँ। एक वो तो सास का वो वाला जो ससमा बाज का जो गरारा पहना दिया उसने अपना, हाँ बड़ा फनी सीन था। इस दफा मुझे कुछ अनकही से कुछ शिकायतें हैं, प्लीज बताएं अपने व्यूअर्स को, मुझे हो सकती है, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अरसलान भला क्या हुआ, हमने 2 हफ्तों बाद देखा है ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया इस ड्रामे के साथ, मैं ऑल टुगेदर एक नई चीज़ देख रहा हूँ शायद। मुझे बिलाल अब्बास के साथ दुख हो रहा है। क्यों भाई? इस जगह बिलाल अब्बास की जगह ज़रूरी था बिलाल अब्बास को कास्ट किया जाता। अच्छा आपको कास्टिंग से वो हो रहा है। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, वो जख्म सा है। नहीं, अगर बिलाल अब्बास ना भी होते तो क्या होता? हाँ कुछ भी नहीं होना था। अगर सजल ना होता तो क्या होता? हाँ मतलब आपको इन कैरेक्टर्स के लिए ये एक्टर क्यों चाहिए था? कोई पोटेंशियल दिखाना होगा ना, तो वो जो पोटेंशियल स्टार पावर दिखानी थी और कुछ नहीं दिखाना। स्टार पावर है पर एक्टिंग पोटेंशियल वो मैक्सिमम क्या करे? सजल मैक्सिमम क्या करे अब? और हाँ बिलाल मैक्सिमम और क्या करे? हाँ वो तो अपना मैक्स दे रहे हैं, वो तो मैक्स दे रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे नहीं मज़ा आया। अच्छा इस दफ़ा मुझे सिर्फ एक सीन पसंद आया शगुफ्ता का और उसके बाप का, मुझे पता नहीं क्यों वो उनकी केमिस्ट्री बड़ी पसंद है। वो शगुफ्ता बहुत अच्छा कर रही है ना, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है। उसके बाप ने जब उसको कहा ना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, एक बार फिर मैंने हज़ारों दफ़ा मांगी है, प्लीज़ मेरे किए की सज़ा किसी और किसी मासूम को ना दो और अपनी जो इरादे हैं उससे बाज आ जाओ। तो वो बड़ा प्यारा सीन था, वो एक बाप की और बेटी की केमिस्ट्री और एक बाप की, मुझे तो बापों का जो पछतावा है वो बड़ा पसंद है फिल्मों में देखना। ठीक है, तो मैं फिल्मों ड्रामा मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई बाप अपनी औलाद से माफ़ी मांगता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा वो सीन लगा। बाकी सैफुर्रहमान के तो सैफुद्दीन है, सैफुर्रहमान है, उसके तेवर बदल गए हैं। सैफुर्रहमान, हाँ, उसके तेवर बदल उसको मुझे लगता है अब उसको सामिया से हो गया है मोहब्बत। अब देखो क्या करती है, मुझे गुफ्ता जो मर्जी करती रहे, मियाँ बीवी राजी। तो क्या करेगी, कागाजी 16वीं किस्त थी, 16वीं किस्त में हमने कुछ अचीव नहीं किया वैसे नहीं। तो ये भी अच्छा था कि शगुफ्ता के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इरादे नेक नहीं थे। नेक नहीं है उसके, तो नेक जिसके इरादे नहीं तो उसको फिर इस तरह का अंजाम लिखा जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ठीक है। और क्या था, और थानवी और उसकी नोकझोंक थी उसमें। कोई अब वो कोई टाइम है, 16 एपिसोड हो गए, ये वक्त है कि हम ये छुनपुन देखें। ऊपर से उसकी शकील की फोटोग्राफी की स्किल जब हमें दिखाने लगे आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, उसकी ज्वेलरी बनाने की स्किल्स हमें 16वीं किस्त में जाके बता रहे हैं कि उसको ज्वेलरी बनानी आती है, घर में बैठ के बिजनेस करेगी। तो पहले क्यों नहीं दसिया सानू? कुमारी हुंदी आने सी ज्वेलरी बनती नहीं होती थी, डब्बा शुरू में ऐवें गोल के बैठ जाती थी, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही होती थी, कढ़ाइयां सिलाइयां लगी रहती थी अपनी दुनिया में। लेकिन वो ज्वेलरी बना रही है वो पता लगी रहती थी। चलो, लेकिन नहीं मजा नहीं है सीरियसली। मुझे तो वो शहरयार मुनव्वर वाले प्लॉट से भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है अब कि क्या करेगी यहाँ पे आके। सचल लंच पे जाके जो नोक जोक हुई है, जो साइट पे जाके वो एक किसी पॉइंट पे शहरयार हंसता है, वो देखा था पॉइंट तुमने? बहुत वो कितना फेक, बहुत बुरा। इधर ऐड कर देना। वो बहुत बुरा था कहकहा, वो मुझे बहुत फेक लगा। हाँ। आपको लगा फेक? बहुत बहुत बहुत, मतलब ऐसे लगा कि ये क्या मजाक हो रहा है। हाँ। आई थिंक दैट्स इट। मुझे नहीं, सॉरी था कुछ नहीं, कहीं वजह बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट। चलो चले जी, कमेंडर्स नहीं, पहले बेस्ट वर्स्ट करना। हाँ, बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक बहुत इजी है इस वीक, तो हर चीज़ हर बंदे का। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इस हफ्ते खुशहाल खान, ओके, फ्रॉम मोहब्बत गुमशुदा मेरी। बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग नटखट सा लड़का दिखाया है जिसको सिंगिंग का शौक है, गिटार बजाने का शौक है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने। और एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, एंड आई विश हिम वेरी वेरी गुड लक। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा साइम का किरदार निभाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने अपनी एक्टिंग प्रूव कर दिया है कि लाइक ये होती है एक्टिंग। और बहुत बड़े बड़े एक्टर हमारे पास इस वक्त जितने भी हैं और जितने भी अपकमिंग हैं, उन्होंने कभी इतनी मेहनत करके किसी कैरेक्टर पे डेडिकेशन नहीं दिखाई, मतलब एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता है ना, जो उन्होंने अपना पर्सनल टच भी ऐड किया हुआ है, तो वो क्लियरली नजर आता है कि यार ये एक मेहनत हुई है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, सो यस, खुशहाल खान मेरे भी खुशहाल खान। मैं नहीं इस दफा इधर उधर हो रहा नहीं, क्योंकि मुझे भी मैं कुछ जगहों पे मैं वाकई वो क्या कहते हैं कि एस्टोनिश। हाँ, बंदा बिल्कुल हो जाता है। मैंने कहा ये तो नया एक्टर इतनी एक्टिंग कैसे कर सकता है, लेकिन पहली ही फिल्म में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्टार पावर यार। सॉरी पहली नहीं, मतलब एक शुरू का ही ड्रामा है ना, तीसरा चौथा ड्रामा ही है, उसमें स्टार पावर। हाँ हाँ, और हालांकि उन्होंने किया हुआ है वो जो ड्रामा था आसिफ वाला, वहशी जी, लेकिन वहशी हमने क्योंकि इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो प्राइम टाइम ड्रामा नहीं था और वो तकरीबन डेली आने वाला था मेरे ख्याल में, लेकिन उसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो जी बेस्ट एक्ट्रेस। अच्छा, एक्ट्रेस में मैं किसको दूं? अच्छा एक्ट्रेस तुम बता दो पहले, मैं बता दूं। मैं एक्ट्रेसेस वीक देना चाहता हूँ अतिका ओडो को, ओके, क्योंकि जुर्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर अतिका और डोस वो ना होती तो शायद एक वो जो एक फन एलिमेंट है जुर्म के अंदर वो मिस हो जाता। तो अदीका ओडो का जो करेक्टर है वो जुर्म ड्रामा को कंप्लीट करता है, आपको एक थोड़ा सा फन फैक्टर भी उसमें नजर आता है। तो मेरे नज़दीक बेस्ट एक्ट्रेस इज अतिका ओडो फ्रॉम जुर्म, ओके। अच्छा, मेरे नज़दीक बेस्ट एक्ट्रेस थूके चाटने वाला हिसाब है, माया अली फ्रॉम यूही। यार इस एपिसोड में माया अली नेल्ड इट, बहुत खूबसूरत उन्होंने एक तो वो लग इतनी माशाल्लाह खूबसूरत रही थी मेहंदी पे भी और अपने बारात वाले दिन भी, और उन्होंने जो एक्टिंग की है बहुत खूबसूरत। आई डोंट नो शुरू में यूही के साथ क्या हुआ है, यूही के शुरू के एपिसोड्स इम्प्रेसिव नहीं थे, वेरी बैड। हाँ अब बहुत अच्छा हो गया, अब वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि वो पता नहीं लगता कि वही यूही है जो शुरू में देखते थे। तो माया अली यस बहुत अच्छी। आज मून ऑस्कर्स, ऑस्कर फीमेल, ऑस्कर एक ही होता है, मेल फीमेल कोई नहीं होता। अजमिया की अम्मी को दूंगा मैं, बड़ी अच्छा रोती हैं वो, बड़ी बड़ा अच्छा सीमाबाजी रोती हैं। तो ये आपका हुआ ऑस्कर। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और निगत कभी राशि नहीं होंगे। कोई फिजिकल ऑस्कर भी एक रख लो। मेरे पास एक ऑस्कर पड़ा है वहाँ पे। इतना प्यारा हम क्यों दें रहने दो चलो। अच्छा मैं जो ऑस्कर देना चाहूंगा, मैं ऑस्कर देने माँ बेगम को तेरे बिन, क्योंकि हादी हो गई। ये खन्नास इसने भरा है, मेरे बेटे में से नहीं कर सकती, नहीं जा सकती मेरे खिलाफ। किसने भरा है ये खन्नास? सॉरी टू से, तुमने भरा है, तुमने किया है। तोबा चलो, तोबा तोबा। चले जी कमेंट्स की तरफ आ जाएं, और आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मैं आजकल बहुत सैड हूं, बड़े डीमोटिवेटेड हो गए, बहुत ज्यादा हमें ना। असरान आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आप हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम लोगों को ना बड़ी उम्मीद होती है ईद फिल्म से, ठीक है, क्योंकि हर साल ईद फिल्म पे हमें काफ़ी सारे व्यूवरशिप मिलती है और सब्सक्राइबर आते हैं, और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो 100, 200, 300 सब्सक्राइबर आए ही है। हाँ। इस दफ़ा हमारे साथ ये नहीं हुआ। हमने ईद के रिव्यूज़ डाले हैं, शायद हम थोड़े से लेट हो गए इस वजह से, पता नहीं क्या वजह है हमारा रिव्यूज़। हालांकि नॉर्मल हम जो ईद के अलावा मूवीज़ के रिव्यूज़ करते हैं उतने इतने अच्छे हमारे, अगर हम देखें कमली पे इतने अच्छे आए हैं हमारे, टिच बटन पे इतने अच्छे आए, यारावे जैसी फिल्म पे इतने अच्छे, जरार पे इतने अच्छे, ठीक है, तो अब 1000 भी नहीं टप्पा यार। आई एम सो सैड। तो ये डीमोटिवेट हो जाते हैं हम थोड़ा सा, तो हमें प्लीज़ मोटिवेट करें किसी तरह, और पतली वेट भी करें। हाँ जी प्लीज। तो थोड़ा सा आप बताएं, अपने आसे पासे आलद वाले देखो, टकरा टकरा मारो, लोग कहो कि देखो अब बच्चे बैठे ने कुछ कर दे पे ने। चले जी कमेंट्स में शुरू करता हूँ। सबसे पहले सलमान के कुछ कमेंट्स में कहते हैं अमेजिंग एपिसोड्स एज ऑलवेज, ईद मुबारक टू यू इन एडवांस। अब तो हो गई। वो कह रहे हैं वो सिर्फ आई एम वाचिंग कुछ अनकही ओनली। अब जुर्म देखो, मोहब्बत गुमशुदा मेरी देखो। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं मुझे प्यार हुआ था, स्किप कर दें क्योंकि कुछ भी हो जाए देखने के काबिल नहीं है। आई थिंक प्लीज अगले हफ्ते से हम नहीं कर रहे मुझे प्यार हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नादिया खान ने इतनी प्यारी बात की अपने रिव्यू में, जो नादिया खान रिव्यू का शो करती है, उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ गाना कैश करवाया, कहानी तो कचरा है, सिर्फ 3 बड़े चेहरे लेके गाना लगा दिया, कहानी तो कुछ भी नहीं। नादिया खान ने इतनी धोया है ना इस ड्रामे को, मैं बहुत खुश हूँ। आप प्लीज अब वो जाके नादिया खान का जरूर देखिएगा पार्ट, शो का नाम है क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। अच्छा इसके बाद बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं सुपर, बहुत अच्छे पॉइंट्स पिक करते हो आप लोग, अल्लाह पाक आपको बहुत सक्सेस दे, आमीन। आप हीर द हीरो की बस थोड़ी सी बात जरूर किया करें, आज मिस किया, बहुत कम बात की हीर द हीरो पे, एंड थैंक्स फॉर रीडिंग माई कमेंट। वेलकम। बस खत्म हो गया हीर द हीरो, शुक्र अल्लाह का, खत्म हो गया करके दिखाओ, खत्म हो गया। हाँ ठीक है, और शुक्रिया करो उन्हें, शुक्रिया। हाँ नहीं बल्कि शुक्रिया, हाँ नहीं नहीं, हाँ शुक्रिया, हाँ यूं करो, ठीक है ऐसे, हाँ समझ गए। अच्छा पुलकीत कहते हैं ये 2 अलग अलग फ्रेम बड़े ही बेकार लग रहे हैं यार हमारे। पुलकीत मेरी बात सुनो, शुरू से ये मसला बना क्या है मेरी जान, असल में ना 1.5-2 घंटे का होता है शो। हाँ। 1.5-2 घंटे में ना जब वो बोल रहा होता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, मैं अपनी बासियाँ वगैरह ले लेता हूँ, मैं फ़ोन थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा, तो हम दोनों की रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों को एक फ्रेम में इकट्ठे होना, अलर्ट होना। कितने कम है इस दफ़ा? 14 कमेंट सिर्फ। हाँ अच्छा। शाहना खान कहती हैं कि अलिफ अल्लाह और इंसान के डायरेक्टर एहसन तालिश हैं, एहसन तालिश ने इमरान अशरफ को मुश्क और ताबीर में भी काम किया, और इमरान अशरफ ने मुश्क और ताबीर को लिखा है। अच्छा मैं एक चीज़ इधर कहना चाहूँगा कि जो इमरान अशरफ है उन्होंने ना मुश्क में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। मैं हमेशा जब भी मैं करने बैठते हैं मुश्क भूल जाते हैं, लेकिन आपने मतलब आपको ड्रामे का नाम नहीं याद रहता लेकिन आपको पता होता है कि एक ड्रामा है ये नहीं मैंने देखा है ड्रामा है। इस घर में हम शिफ्ट हो गए थे तब लगता था ये ड्रामा। मेरा मतलब है कि नाम जहन से स्किप हो जाता है लेकिन जहन में होता है कि है। हाँ और उसमें इमरान अशरफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उसके बाद भूल गए बस वो पोला बिस्मिल के बाद फिर वो भोला आ गया। ठीक है अच्छा इसके बाद MZ6989 कहते हैं दो आई एम ह्यूज फैन ऑफ दानिश तैमूर आई मस्ट से अरसलान कैरिड द ब्लैक कुर्ता बेटर थैंक यू सो मच लव मून्स पंजाबी टर्मिनोलॉजीज दे आर हिलेरियस यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड कीप अप द गुड वर्क थैंक यू सो मच। इसके बाद फिजा तार कहती हैं एहसन तालिश डिड अली फर इंसान। मुनीब अहमद कहते हैं यू गाइस आर राइट इन तेरे बिन नो लॉजिक बट दिस ड्रामा इज ओनली फ्लाइंग हाई बिकॉज ऑफ वहाज एंड यमुना's केमिस्ट्री एंड यस इट्स डिनाइबल they are even covering flaws like their scenes are so impactable that people forget the story flaws and illogics. Munib Ahmed कहते हैं अस्सलाम वालेकुम Moon and Islam you guys looking good in black इंशाल्लाह your channel will grow soon keep doing hard work pays off दुआएं चाहिए। अच्छा शान मुसा कहते हैं एक्ट्रेस का नाम है अदला खान कौन सी एक्ट्रेस पप्पी हाँ चिंटू की मम्मी में जो पप्पी बनी हुई है नुकरानी वो जो उसमें भी है काला डोरिया में वो अदला हो गया बस कमेंट्स हो गए बस। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं क्यों डिप्रेस हूँ आजकल। थूक जी ने कमेंट किए हैं तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ बस ये क्या है बहुत सैड हूँ मैंने बंद कर दिया चैनल मैंने पार्ट लो नहीं हम नहीं करने देंगे आपको हम आपको मोटिवेटेड रखेंगे जी मून। अच्छा एक और बात जाते जाते हाँ। टीवी लॉन्च के अब 2 एपिसोड आया करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से चूंकि ग्रीन भी शुरू हो रहा है जी ठीक है और बाकी नीले पीले चैनल तो हैं भी ग्रीन के साथ रेड भी है ब्लू भी है येलो भी है रंग बिरंगा रेनबो भी है हम सारा कुछ है तो इंशाल्लाह हम अब हफ्ते में 2 बार मिला करेंगे आपसे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। ये एक मेजर अनाउंसमेंट थी, दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि अनाउंसमेंट नहीं दूसरा रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। बीमार बैठे एंटीबायोटिक दे उत्ते दवाइयां खा के तबीयत खराब है फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बैठे हैं यार ख्याल कर लो साडा। चले जी इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे कल आपको मीनिंगफुल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।